ये है हमारे भारत का एक शहर। यहाँ पर रहने वाले अपनी रहन सहन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भले ही इसके लिए तकलीफ उठाना पड़े। शायद इसलिए इसे ऊपर से नगीना अंदर से चूना कहा जाता है। इस शहर की आबादी में 2.5% लोग अरबपति हैं। ये लोग अपने अलावा बाकी के लोगों को नौकर और बेकार समझते रहते हैं। यही इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। 10.5% लोग यहाँ पर करोड़पति हैं। ये लोग हर पल करोड़ों का फायदा और इलेक्शंस में सीट मिल जाए इसी कोशिश में लगे रहते हैं। 60.7% न तो अमीर वर्ग के हैं और न गरीब वर्ग के। ये लोग होते हैं मध्यम वर्गीय। इनको सभी लोगों से परेशानी होती है, लेकिन इन लोगों से किसी को परेशानी नहीं होती। और 28.5% लोग हैं एक दिन की कमाई को उसी दिन खाकर सो जाने वाले गरीब लोग। इन लोगों से किसी भी वर्ग के लोगों को न तो कोई परेशानी है और न ही कोई तकलीफ। लेकिन जिंदगी की इस भाग दौड़ में 0.2% लोग अनाथ हैं। ऐसे लोग से हम सभी लोग घृणा करते हैं और साथ ही साथ दया भी दिखाते हैं। इन लोगों में से कोई चोर तो कोई डाकू बन जाता है या फिर हमारे देश को बर्बाद कर देने वाला डॉन बन जाता है। इसलिए कभी भी इन लोगों को देखकर घृणा मत कीजिए, इनसे डरिए। जोर से भूख लगी है, पैसे कहाँ से आएंगे? इससे इसे बेचोगे क्या? नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उठोगे तो मर जाओगे। इतना छोटा होकर गन चलाएगा? गन चलाने के लिए दिमाग का होना जरूरी है। चल पैसे निकाल। दिवाली का खिलौना दिखाकर मुझे डराने की कोशिश करता है, अभी बताता हूँ। ये तो बेहोश हो गया साला। चलो यार, चलो चलो चलो। ये क्या यार, सब कुछ दबा कर देखा, फिर भी कुछ नहीं निकल रहा है। जल्दी करो, जल्दी। ए, वो बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं? ए, 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 क्या कर रहे हो? चलो, ए, ए, चलो, क्या कर रहे हो? चलो बाहर, चलो, आओ बाहर। कौन हो तुम लोग? हम चोर हैं। वीरप्पन और चाल शोभराज जैसे लोगों ने भी कभी इतनी हिम्मत से नहीं कहा होगा कि हम लोग चोर हैं। ये लोग कौन हैं? तुम इन लोगों को नहीं जानते हो? जब मुझे यही नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है तो मैं इन लोगों को कैसे जानूंगा सर? चोरों को गुरु कहा जाता है, लेकिन तुम लोग तो चोरों के भी गुरु लगते हो। भूख लगने पर कौवा भी इंसान के हाथ से रोटी छीनकर खाता है सर, उसका कौन सा गुरु होता है? इंसान की भूख ही उसे सब कुछ सीखने पर मजबूर कर देती है। हम अनाथ हैं, अनाथ का मतलब चोरी होता है ना सर? ये सब तुम्हें किसने बताया? सभी के लिए रविवार का मतलब हॉलीडे जॉलीडे होता है, मगर कुछ लोगों के लिए। आज तेरा कितना कलेक्शन है? किसी ने नहीं खरीदा। खरीदा नहीं का मतलब भूख लगी है तुझे? हाँ भाई। अबे भूख लगी है, कुछ खिलौना नहीं बेचा तो क्या मुझे खाएगा? चल भाग। सरकारी कर्मचारियों को जिस दिन आराम मिलता है वो दिन छुट्टी कहलाता है, और नेताओं को जब छुट्टी चाहिए होती है तो उसका नतीजा निकलता है बंद।
सेठ जी आज तुम्हारे लायक काम नहीं है, जाओ। मैंने क्या किया है सेठ जी, मुझे भूख लगी है सेठ जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आज शहर बंद है, दुकान नहीं खुलेगी, जाओ। राज्य में इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे राजनेता हैं, इनमें से कोई भी इस भूख को रोकने के लिए बंद करने का क्यों नहीं सोचता। बरसात किसानों के लिए वरदान है और प्रेमियों के लिए प्रेम करने का मौसम। रविवार, बरसात और बंद, ये तीनों कभी भी एक दिन एक साथ नहीं आने चाहिए। मगर इलेक्शन से पहले कुछ पार्टी आपस में हाथ मिला लेती हैं, उसी तरह ये भी एक दिन एक साथ हुए। इसे बहुत ठंड लग रही है यार। हाँ यार, बुखार भी बहुत ज्यादा है। ए, वो घास लेकर आ। इसको ओढ़ ले, ठंड कम हो जाएगी। इसके पैर के तलवों को जरा रगड़। हाँ, रगड़ता हूँ। चोर, 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 चोर। हम लोग चोर नहीं हैं, इसको बुखार आया है। मेरी लड़की की साइकिल गुम हो गई है, उसको चुरा कर क्या क्या तूने? मैंने नहीं चुराई। गाड़ियों से पेट्रोल गायब हो रहा है, तुम ही लोग वो सब कर रहे हो। नहीं नहीं, ये लोग सीधी तरह नहीं बताएंगे, पुलिस को बुलाता हूँ, सब बताएंगे। तुम लोग इंसान हो या? अरे बाबा, हम चोर नहीं हैं, अनाथ हैं। अनाथ का मतलब चोरी करना होता है क्या? उसी दिन समझ में आया, अनाथ का मतलब चोरी करना होता है। कहानी अच्छी बना लेते हो। अरे यार, हम लोगों पर ये तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं। ओहो, तो झूठ भी बोला जाता है क्या? नहीं जानता था, इसी वजह से सच बोला, मगर अब आगे से झूठ ही बोलूंगा। पुलिस स्टेशन ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं शूट कर देना चाहिए। अरे यार, ये लोग तो हमें मार डालेंगे। हम लोग ही इनको मार डालते हैं। स्कूल जाने का टाइम हो गया है, सब लोग रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ। हाँ हाँ रेडी हूँ। हाँ रेडी हूँ। सर, सर, बस स्टॉप पर किसी ने मेरा फोन चुरा लिया, कंप्लेंट लिखी है सर। इसको चोरी करना नहीं, गुम हो जाना कहते हैं। इस तरह की लापरवाही की वजह से ही बहुत से लोगों का चोरी करना आसान हो गया है, समझ कर चोरी करना सीख चुके हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है ना, पहले इसको अंदर करो चाचा जी। कहा तुमने, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा फोन चोरी नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ है सर, चोरी हुआ तो भी नहीं आऊंगा सर। चाची पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये कंप्लेंट कब दर्ज की गई थी? रात के करीब 10:15। किस पर? उधर देखो, वो वहाँ पर है। वो बेकसूर है चाचा जी। उसकी सूरत देखकर कैसे बता सकते हो? भैरव ने बोला था, कॉमन सी बात है चाचा जी, वॉच देखकर बोल रहा हूँ। 9 बजे आकर हम लोगों पर पीकर हमला किया और सबूत के तौर पर ये वॉच छोड़कर चला गया। 9 बजे की मारामारी में सोचो टूटी हुई वॉच का टाइम 9:45 कैसे दिखा सकती है चाचा जी? मतलब ये हुआ कि वो आदमी इसको फंसाना चाहता है, दैट्स ऑल सिंपल। 9:45, यू आर जीनियस, तेरे जैसे को पुलिस में होना चाहिए। हेलो, भैरव को कंप्लेंट देने का मतलब डायरेक्ट भगवान से मुराद मांगना है, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए, किसी को भी अंदर आने मत देना। फोन करने से आ जाएगा। अभी तक गिराया नहीं। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता। बच्चे की आड़ में मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। तुम नहीं गिराओगे, मैं ही गिरा देता हूँ। अरे रे रे रे, चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ ना। दैट्स गुड। शादी से पहले हद पार करना एकदम गलत बात है ना, इस वक्त ना समझेगी सजा भी होगी। मैं बचा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। Let's go.
ना 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 ना, ना। रो मत। माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। मैं हूं ना। पुश 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 ऐसे पुश पुश पुश। एक लड़की को धोखा देने तक ठीक था, मगर एक माँ को धोखा देना ये कभी सोचना भी मत। समझना चाहिए। लगता है अब दाई का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये बच्चा ना तो अतीत जानता है और ना ही भविष्य जानता है। अतीत तो मर चुका है, मगर इसका फ्यूचर अच्छा होना जरूरी है। सभी अनाथों का पिता तो नहीं बन सकता मैं, मगर अपना समझकर सीने से जरूर लगाऊंगा। हेलो, कमिंग सर, टू मिनट्स। सर, मैटर क्या है सर? शहर में आए हुए नए एसीपी भैरव ने एमएलए के बेटे का एनकाउंटर कर दिया है। ये रेटिंग न्यूज या फिर चीटिंग न्यूज भी हो सकती है सर। ये कैसा न्यूज है, तुम जाकर उस ऑफिसर का इंटरव्यू लेकर बताओगी? अपनी पुलिस सिर्फ साधारण से जनता को ही जानवरों की तरह पीट सकती है, मगर एमएलए के बेटे को वो हाथ तक नहीं लगा सकते सर। लेकिन तुम जानती हो उस भैरव के बारे में मेरी क्या राय है? ये केस मर्डर इन द नेम ऑफ पुलिस एनकाउंटर लग रहा है मुझे। लगता है इतने दिनों बाद पुलिस डिपार्टमेंट में कोई नया आया है। अब तो बहुत मजा आएगा इंटरव्यू लेने का। गुड मॉर्निंग सर। एनकाउंटर करने की परमिशन तुमको किसने दी थी? घर के कचरे को और शहर के कचरे को झाड़ू से साफ करने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? उसने गोली चलाई वो चूक गया, लेकिन तुमने एकदम परफेक्ट निशाना लगाकर गोली चलाई। हाँ, करेक्ट गोली चलाने के लिए क्या उसने हमारी तरह ट्रेनिंग ली थी? पुलिस वाला था क्या वो? ब्लैकमेल करने वाला बदमाश था सर। दरअसल तुमने किसको शूट कर दिया जानते हो तुम? मैं गोली चलाते समय सिर्फ बॉडी देखता हूँ, बायोडेटा नहीं। आफ्टर ऑल तुम एक सीआई हो, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। सुबह सुबह जैसे मंदिर जाकर नारियल फोड़ता हूँ, तो क्या वैसे आपके दर्शन कर ड्यूटी जाया करूं? जो भी जी में आया करते हो, ये कोई ससुराल नहीं है तुम्हारा। जिल्लत झेलने के लिए किसी की गाली गलौज सुनूं? कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ सर मैं, चांबाज पुलिस वाला हूँ। तुम्हें किस तरह से डील करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड के मामले में बिन लादेन ने बड़ी गलती की बताते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने उससे भी बड़ी गलती कर दी। 1996 जून 12 को एक पागल को पुलिस ड्रेस पहनाकर उसके हाथ में लोडेड रिवॉल्वर रख दिया, वही है ये भैरव। पागल को पुलिस जॉब किस लिए? यू आर डिसमिस। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, ड्यूटी हो या डिसमिस वो ही करवा सकते हैं। बाहर मुझे बधाई देने के लिए पब्लिक आई है, उनसे कहिए अगर वो कहें तो वर्दी उतार कर ड्रायर पर नंगा चला जाऊंगा, या फिर अगर तुम्हारा भूखे शेर के मुंह में सर रखने का बहुत ज्यादा शौक हो तो एक काम करना, इस वर्दी के पास चले आना। एक एमएलए की लड़की का एनकाउंटर करके एक लड़की की जान बचाने के लिए हम आपको महिला मंडल की तरफ से। मुझे शाबाशी मत दो, मैंने अपनी ड्यूटी की है। टाइम वेस्ट किए बिना ड्यूटी लायक कोई काम हो तो बता देना। हमारे एरिया में गुंडे परेशान कर रहे हैं सर। गुंडे जो भी मांगते हैं दे दो, और उनको जो दिया मुझसे ले लेना। आपने सही सुना, दे देने को बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इज्जत दे के आ जाओ। मैं कोई यहाँ भगवान नहीं हूँ, अगर ऐसे हालात आ गए तो सब मिलकर उन्हें मारो। एक ने किया तो मर्डर, सब ने किया तो इंसाफ। नो एफआईआर नो कोर्ट। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलता हूँ। बाहर मीडिया वाले हंगामा कर रहे हैं सर। ऐसा है क्या? हाँ सर। यस, तुम जीप लेकर वहाँ से जाओ, मैं दीवार कूद कर आता हूँ।
चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? मुझे एनकाउंटर के बारे में कुछ पूछना है। हीरो से विलन वाले सवाल कर रही हो? नहीं आई हो क्या? मीडिया दो दिन से आपके पीछे घूम रही है। दो शब्द हमारे साथ बोलकर हमारा रेटिंग बढ़ा दीजिए सर। आप लोग के पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। यानी आपने गलती की है, इसलिए आप मीडिया से डर रहे हैं? हाँ, डर रहा हूँ। मीडिया वालों की करतूतों पे कहीं गाली दे दूंगा, ये डर है। औरत हो इसलिए, वरना अच्छा जवाब देता मैं तुम्हें। हर किसी ने मीडिया को गाली देना फैशन बना लिया है। गालियों में भी फैशन होता है, ये तो मैं नहीं जानता। मेरे हिसाब से प्रेस का मतलब समाज की तीसरी आंख है, और उसे आप लोग भुला कर सिर्फ अपनी अपनी रेटिंग और कमाई पर ध्यान दे रहे हैं, जो गलत बात है। अच्छा, 10 गुनहगारों के नाम तो बताइए। वीरप्पन, चार्ली, शोभराज, कसाब। बस बस बस, अब अच्छे लोगों के नाम बताइए। गांधी, मदर टेरेसा। अरे 60 साल पीछे क्यों जा रही हैं? आज जो है वो कम से कम अपना नाम भी नहीं बता पा रही हो, मतलब तुम भी गुनहगार हो। सुबह टीवी ऑन करो तो बस शुरू हो जाता है बुरा 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 बुरा, यही देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं और यही बोल रहे हैं। जाने अनजाने में हम भी बुरे बन रहे हैं, और इसकी वजह प्रेस। तुम्हारे दिखाए हुए क्राइम सीन्स को देखकर लोग उन्हें रोकने की बजाय उनको कैसे करें वो सीखते हैं। कुछ चैनल वाले ऐसा करते हैं तो सब चैनल वाले थोड़ी बुरे होते हैं। सच जानने के लिए टीवी देखते हैं, लेकिन किस चैनल में सच है ये जानने के लिए ज्योतिष को ढूंढना होगा। ऐसी है तुम्हारी चैनल की हालत। जात धर्म अन्याय ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है समझते थे, लेकिन अब वो मीडिया में भी आ गया है। सेंसेशनल केसेस, प्रत्युषा, आयशा, श्रीलक्ष्मी। अरे अपने घर में लड़की ना पैदा हो ऐसे सुबह से शाम तक न्यूज को सनसनीखेज बना देते हो। दो दिन के बाद देखो तो छोटी सी स्क्रोलिंग भी नहीं रहती। क्यों, पैसों से बिक रहे हो या किसी के डराने से डर रहे हो? रेटिंग के लिए, सेंसेशन के लिए 100 केसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। गुनहगार की सोच बदल कर सिर्फ एक न्यूज दिखाइए, तब दूंगा तुम्हारे सवालों के जवाब। गुनाह करने वाला मरे मैं ये नहीं चाहता, गुनाह करने वाला बदले, यही इस भैरव की फिलॉसफी है। हेलो, मेरे यहाँ से जाते ही कोई आकर ये गलत कहे तो मत मानना, सच यही है। इंटरव्यू दिए बिना रिपोर्टर की जॉब चाहते हो? यस सर। तुम वाकई बहुत महान हो, मीडिया के महासमुंदर में आयोडीन नमक की तरह मिल गए हो, और बहुत जल्दी गल भी जाओगे। तो फिर मेरा जॉब सर? आई एम वेरी सॉरी, तुम जैसे को मैं जॉब नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें जॉब दे दिया तो मेरा बॉस मुझे फांसी दे देगा। एक बार और सोच लीजिए सर। जब से मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ तो सोच रहा हूँ और कितना झेलना होगा। लेकिन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो एनकाउंटर करने वाले सीआई ने इंटरव्यू दिया? हिंट दी। क्या दिया? अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए। तब तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हिंट दिया उसने? हिंट सर, पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज में दिखाए हुए केसेस अब किस स्टेज में है ये पता करना, और व्यूअर्स को दिखाना। वो तो पुराने केस है ना, उन्हें दिखाने से क्या फायदा होगा? ऐसा करने से अपने चैनल की रेटिंग बढ़ जाएगी। रेटिंग के लिए फाइटिंग कर रही हो, वेरी गुड। लेकिन इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा? रिकॉल। रिकॉल, वेरी गुड नेम, प्रोसीड। थैंक यू सर। या हेलो हेलो, क्या हुआ, आज स्कूल क्यों नहीं गया? हेलो हेलो, आज संडे है। ओहो, यानी फुल एंजॉयमेंट। सब लोग डर के मारे कंप्लेंट देने के लिए यहाँ पर आते हैं, और हम लोग बाहर जाएं तो हमें देखकर डरते हैं। हमारे साथ कोई नहीं खेलता, आप बताइए ना हम क्या करें? उन्हें डरपोकों की तरह जीने की आदत हो गई है। तुम्हें कभी भी छुट्टी नहीं रहती। बोलो भैरव, पुलिस स्टेशन से कब छुट्टी मिलेगी? मेरे दिल की बात बोल दी तुमने शिवा, कभी ना कभी तो पुलिस स्टेशन में भी संडे हॉलीडे जरूर होगा, यही मेरा ड्रीम है। सर, ऐसा ही द्वारकेश सर। सर, द्वारकेश सर। शू लेस ठीक से बांधो द्वारकेश। सॉरी सर। बिना देखे कैसे बताया भैरव? क्योंकि उसके शू की आवाज हल्के से आई थी। पुलिस वाले को जरूरत इंटेलिजेंस की नहीं, कॉमन सेंस की है। वो ठीक है तो केस ऐसे ही डील कर सकते हैं। आप पैसे देंगे इसलिए पब्लिक आई है सर। तुम उन्हें पैसे कैसे दे सकते हो? कॉमन सेंस से नहीं, इंटेलिजेंस से दूंगा। चल, सच में इन सब के पैसे गए हैं? सच में सर। सच है तो फिर इन सबको धूप में क्यों खड़ा किया? सबका काम क्यों खराब कर रहे हो? उनके पैसे दे दो और मेरा हिस्सा कितना है ये बोलो। अच्छा, किसको कितना देना है नहीं समझ में आया? रिश्वत जब लिया था तभी बांट लेते, मेरा इतना तेरा उतना कह के उसी हिसाब से वापस कर देते हैं। कैसे देंगे कैसे देंगे यही सोच रहे थे सर। ऐसे बिस्तर बिछा के पलट दोगे नहीं सोचा था सर। लेकिन हम किस लिए दे सर? नहीं तो तिरुपति से बालाजी भगवान आकर देंगे। कभी ना कभी रिकवरी हमें ही करनी है ना।
तब अपना पैसा ले लेंगे। अब इन्हें अकल आएगी, यह है सही पुलिस। दिस इज टू मच सर, मिला हुआ रिश्वत वापस कर सकते हैं लेकिन उन लोगों से छीना हुआ इतना सारा पैसा हम एक साथ कैसे वापस कर पाएंगे सर? दिमाग खराब है क्या तेरा? उनके छीने हुए लाखों रुपए देने के लिए कौन बोला? एक आध महीने में दे देंगे ये कह के स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर करवा लो, ये भी खुश हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे ना क्या करना है। शिवा, अपने लोग गलती करे तो सर? जनता गलती करे तो जेल में डालना, हम गलती करें तो हलवा खाना समझा है क्या? कोई भी गलती करे तो अपना एक ही सेक्शन है, झुका कर चमड़ी निकालूंगा। आपका टेस्ट डिफरेंट है सर, ये लीजिए मेरा हिस्सा। शिवा, अरे तुम लोग नॉवल पढ़ रहे हो क्या? चलो जल्दी साइन करो। आओ भाई आओ भाई आओ आओ भाई, रोज लेने की बजाय महीने में एक बार लेना भाई। है भाई, रोज रोज चावल के दाम बढ़ रहे हैं ना, आपका हफ्ता भी बढ़ा लो भाई। हफ्ता क्या बढ़ाएगा बया, यहाँ हमारा बीपी बढ़ रहा है, तेरा क्या है? महीने का नहीं साल में एक साथ दे देगा हा? वो दिया तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? पैसा वही देगा लेकिन भुगतेंगे हम। अब से तुम हमें हिस्सा मत दो, जनता से हफ्ता मत लो, अब बंद करो। अबे पुलिस वाले, वो सब परेशानी तुम उठाओ, वो भैरव आए या जाए हमें से कोई लेना देना नहीं है, किसी के आने से हम नहीं रुकेंगे। तू हमको बोल रहा है? कुछ अकल है तुझे? ए, सिर्फ हफ्ता देने वालों को ही नहीं, जरूरत पड़ी तो पुलिस वालों को भी मारेंगे। सर, उन गुंडों ने हमें बहुत मारा सर। हमेशा हम ही मारेंगे क्या? वैरायटी के लिए मारा होगा। इन लोगों को देखो, जनता कैसे फोकट में सर्कस की तरह फ्री में एंजॉय कर रही है। वो देख रहे हैं, वो गलत नहीं, अपने पुलिस साथी देखें, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। अरे एक ऑटो वाले को कुछ हुआ तो 100 ऑटो वाले आते हैं, एक भिखारी को कुछ हुआ तो कई भिखारी आ जाते हैं। छी, हम खाकी वालों में ही एकता रही है, जीना मरना तो भगवान तय करता है, जन्म देने की शक्ति माँ को दी इस धरती पर, हराम खोरों को खत्म करने का हक हमें दिया है, इसी वजह से डिपार्टमेंट ने सबको बंदूकें दी हैं। अच्छा लेकिन तुम क्या नाकारों की तरह मार खा कर आ गए? एक काम करो, घर से अपनी अपनी बीवी के हाथों से चूड़ियां उतार कर अपने हाथों में पहन लो। अरे वो मारे तो क्राइम, वही अगर हम मारे तो पनिशमेंट। जो भी हो मैं देख लूंगा, तुम शुरू हो जाओ। यस सर। फर्स्ट टाइम पुलिस वालों ने हमें समझा है रे, पुलिस वालों को गुंडों को मारते हुए पहली बार देख रहा है, लेकिन पुलिस को बदलने वाली पुलिस को पहली बार देख रहा है। अब आपके सामने हम एक नया प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। पुलिस ऑफिसर भैरव की सलाह के मुताबिक इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रिकॉल। नॉर्मली एक सेंसेशनल केस देखकर हम चौंक जाते हैं, उन्हें फांसी देने के लिए एसएमएस भेजते हैं, फोन करके बताते हैं, और दो दिन के बाद हमारे चैनल्स नई न्यूज के कवरेज में पुरानी न्यूज दबा देते हैं और आप लोग भी उसे भूल जाते हैं। सच में पहले दिन जितना इमोशनल फील होता है उस केस को लेकर, अब वो किस स्टेज पर है, उन्हें सजा मिली या नहीं, वो किस जेल में है, ये सब हम अब जानेंगे यहाँ रखे पुराने पेपर्स में से एक चुनकर। तो उस दिन की सेंसेशनल न्यूज क्या है देखते हैं। व्यापारी का खून, गुनहगार भूषी फरार। उस समय तहलका मचाने वाले मर्डर केस में गुनहगार मूछ वाला भूषी, आप सोच रहे होंगे कि ये अब कहाँ है। उस दिन सबने सीएम को इसका एनकाउंटर करने के लिए एसएमएस भेजे थे, तो इसे सजा मिली या नहीं। ये रहा भाई कलेक्शन। क्या रे, भिखारी को भीख समझ कर दे रहा है क्या रे? चल, भिखारी को कम से कम भीख तो मिल जाती है भाई। हफ्ता मांगने पर पुलिस वाले कुत्तों की तरह मार रहे हैं, फ्राई करके मसाला लगा कर मार रहे हैं। वो सीआई के दिए हुए इंजेक्शन से भी ज्यादा बेरहमी से मार रहा है कांस्टेबल। भाई इन लोगों को छोड़िए, पहले टीवी देखिए। अरे टीवी में ऐसा क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। ये लोग बेल पर छूटकर पवित्र मंदिर के सामने दारू पी रहे हैं। कितना घिनौना पाप कर रहे हैं देखिए, ऐसे लोगों को आखिर कब मिलेगी सजा। ये टीवी प्रोग्राम रोकने के लिए फोन कीजिए भाई। वहाँ पर हादसा हो चुका है,
और यहाँ खतरा शुरू हो गया है। कौन है जिसने तुझे मारा? वो पुलिस वाला। चल। अच्छा चेक। तेरी लाश पे, तेरी लाश पे डालने के काम आएगी ये चिल्लर। अरे मूछों वाले भूसी, अगर तेरे पीछे 100 लोग हैं ना तो नो डाउट भाग जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर तेरे पीछे 100 आदमी से एक भी आदमी कम हुआ, मतलब 99, तो तुझे भगा भगा के मारूंगा। और अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि ये खाकी वर्दी वाला है। सही सही बता कितने लोग हैं? तुझसे मुकाबला करने के लिए मुझे सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ तेरे लिए। भैरव, लगता है ये तुम्हारे बारे में जानता नहीं है, ये पागल हो गया है इसीलिए फालतू की बकवास करके चिल्ला रहा है। भूसी को आज तक किसी को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी, भूसी शहर में अकेला है, गेट अप देख कर ही समझ जाते हैं। मर्दों में एक ही मर्द है, महागुंडा, महागुंडा भूसी। लगता है ये तो मारने वाला है, चलो यहाँ से भाग। चले भाग के, भागो भागो, चलो बच्चों, चलो चलो, हाँ आराम से, चलो भागो, ये मुच्छड़ बहुत जोरों से भाग रहा है। रुक जाओ, जल्दी भागो, रुक जाओ। क्या रे, अब क्या रुक गया? ये जनता तेरी मदद करेगी क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे सारे चेले चपाटियों को मेरे पुलिस वालों ने यही मारा था, इसीलिए तुझे भी जानबूझकर यही लाया हूँ। ए मुच्छड़, अगर आज तूने मुझे मार दिया तो ये सारे लोग आज से तुझसे खौफ खाएंगे, लेकिन गलती से मैंने तुझे मार दिया तो इन सारे लोगों का डर चला जाएगा, और कहीं इन लोगों ने मेरी तरफ से तुझे मारना शुरू कर दिया तो ये समाज सुधर जाएगा और तुझे डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भैरव का फिलॉसफी है। तुझे क्या लगता है ये कमजोर लोग मुझ पर हाथ उठाएंगे? भैरव, ये कमजोर लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। जिस तरह सारी जिंदगी समस्या को झेलते हैं वही सोचकर तुझे छोड़ दिया है, इसीलिए तो तू आज ऊपर बैठा है। हे, ये लोग अगर आज बीच में नहीं आते तो तुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मर जाऊंगा। आ जा। अरे मुच्छड़, ये डर कैंसर की तरह है, छूत की बीमारी नहीं है। छूत की बीमारी तो धीरज है जो लग सकता है, लगा दिया मैंने। और इस छूत की बीमारी के बढ़ने से पहले भाग मत जाना, तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी से बदल जा, जा वरना जान से मार दूंगा, समझ में आया? इनको बेटी की शादी के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए, इनको पति के ऑपरेशन के लिए रुपए चाहिए, इनको बेटे की कॉलेज की फीस देनी है। मेरा भाई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। इलेक्शन में खड़े होने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर मैं इन लोगों की मदद भी करता हूँ। MLA बनने के लिए तुमने कितना खर्च किया? 5 करोड़। इन 5 सालों में ऐसे बांटने में हमारा कितना पैसा खर्च हुआ? 1 करोड़ रुपए सर। ऐसे ही पैसे बांट बांट कर मैं अपने 8 MLA को जिता पाया हूँ। पेट भर खाना देने के बजाय हाथ में आने वाले प्रसाद को ही जनता ज्यादा इज्जत की नजर से देखती है। उनके कंधों पर जो मैंने हाथ रखे थे उसे तो मैं साबुन से धो लूंगा, लेकिन वो इस बात को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे साहब ने उनके कंधों पर हाथ रखा था। यही है गरीब की साइकोलॉजी, हमारे कहने पर हमारे गुंडे जाकर जान ले लेते हैं, और वहीं अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये लोग अपनी जान देने। भाई, आज तूने 2 गलतियां की, जनता के सामने मेरे घर में आना और इस जनता के हाथों से पिट कराना,
जनता में भक्ति न हो तो भगवान पत्थर बन जाता है, उनसे डर गया तो गुंडा मरा हुआ सांप बन जाता है। ये दोनों ही वेस्ट है। उस सीआई के बारे में सब कुछ पता कर लो, मारना है या भेजना है सोचते हैं। ठीक है भाई, मेरे बेटे को मारने वालों को अभी मारना होगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, चाहे जितना भी पैसा लगे। ए, क्या है रे वो? साहिब साहिब, खून करके आ रहा हूँ साहिब, मेरी बीवी दूसरे के साथ पकड़ी गई, उसका सर काट के लाया हूँ साहिब। साहिब साहिब, भैरव साहिब को बुलाइए साहिब, मुझे अरेस्ट कराइए साहिब। उधर जाके बैठ, चल। हेलो टीवी 9, मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज है। यहाँ ये खून कैसा? कुछ नहीं बेटा, तुम इसे नहीं देख सकते। यू अंडर अरेस्ट अंकल, इसे जल्दी चेक करो, ये असली खून नहीं है, चेक करो इसे। कौन है ये? सर, ये सर काट कर लाया, उसके बाद जहर पी लिया। सर काट के लाया? ब्लास्ट हो जाता तो सारी बस्ती जल जाती। शिवा, कैसे बचाना बेटा? तुम्हारे कॉमन सेंस से ही भैरव, खून तो 10 मिनट में ही जम जाता है, लेकिन ये नहीं जमा। और उस चाय पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, लेकिन इस खून पर नहीं बैठी। तब मुझे डाउट हुआ कि ये असली खून नहीं है और वो आदमी एकदम झूठ बोल रहा है। शाबाश, शाबाश। हम सब सपने में भी तुम्हारा एहसान भूल नहीं सकते बेटा। तुमने हम पर ही नहीं बल्कि हमारे बीवी बच्चों पर भी उपकार किया है बेटा, तुम्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। चाचा जी, तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी होशियारी से और सूझबूझ से इतने लोगों की जान बचाई है, रियली यू आर ग्रेट। लेकिन तुम लोग पुलिस स्टेशन में क्यों रह रहे हो? पुलिस स्टेशन ही हमारा स्वीट होम है। व्हाट? नहीं मत मारिए सर, चोरी कर रहे बच्चों को मार क्यों रहे हो? ये बच्चे हैं, एटीएम में चोरी कर रहे थे सर। इनकी शक्ल तो देखो, ये बच्चे क्या चोरी करेंगे। ए, रात में यहीं सो जाना, सुबह चले जाना। सर, इतने दिन फिल्मों में स्टार्स को देखा, फर्स्ट टाइम रियल स्टार को देख रहे हैं सर। अरे ये तो बदमाश लग रहा है। हाँ सर, ये रिकवरी अमाउंट है, संभाल कर रखो। ओके सर। क्या है रे, अंधेरे में डर नहीं लगता है? इतने रात को कहाँ जा रहे हो? हैं? जेब में क्या है तुम्हारे? हैं? इस बॉक्सर अशोक का बिजनेस क्या है? 15 ड्राई क्लीनिंग शॉप्स है सर। सर, ये रिकवरी अमाउंट लेकर भाग रहे थे, मैंने पकड़ लिया सर। कमल, वो मैंने ही इन्हें दिया था। खाना खाया? पहली बार पैसे चुराए थे सर, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। मुझे मालूम है, खाओ खाओ। हम समझे थे दूसरों की तरह आप भी हम अनाथों की बात नहीं मानेंगे। अरे मैं तुमसे भी बड़ा अनाथ हूँ, अपना भरोसा ही अपनी माँ है। लेकिन मैंने तुम्हारी तरह चोरी नहीं की। पुलर आओ सर। ये चारों बच्चे आज से यहीं रहेंगे और ये यहीं से स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे और वापस आएंगे। वो ड्यूटी तुम्हें संभालनी है। ठीक है सर। मैं कब्रिस्तान से इस स्टेशन तक आया, तुम इस स्टेशन से दुनिया में अपना नाम ऊंचाई तक लेकर जाना, क्या कहते हो? ठीक है सर। खाओ बेटे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हे राम रे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हे राम रे माता पिता नहीं है भा
छोटे फूल छोटे ऐसे डांस कर ले माइकल जैक्सन जैसे। तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा सपना हो, तुमसे होगा घर ये रोशन, देखेगा जमाना। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। फूलों जैसा तुम महको, सूर्य जैसा तुम चमको, तुम ही मेरे बन गए हो आखिरी आशा। दुश्मन को जड़ से मिटा दे, पापी को सजा देंगे हम, अपराधी को नहीं छोड़ेंगे हम, ईमानदारी छोड़ेंगे हम, सर अपना नहीं झुकने देंगे, प्यार हम सबको सिखाएं साथ में रहना। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हे राम हरे। माता पिता नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, माता पिता मिल गए पुलिस मेरा घर है। ये भैरव नहीं है भगवान, अब होंगे पूरे अरमान, अब आए कोई लड़ने हमसे कर देंगे खात्मा। लॉकअप में उसे डाल दे, फिर सेक्शन उस पे लगाते, बम कोई फोड़े उसे हम बम से उड़ा दे। अपराधी नहीं मानेगा उसे गन से उड़ा दे, फिर भी नहीं मरता तो उसे जड़ से मिटा दे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हे राम रे। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हे राम रे। और इस तरह से ये पुलिस स्टेशन हमारा घर बना। भैरव हमारे माँ बाप से भी बढ़कर है। पुलिस ने इन बच्चों को अडॉप्ट किया और उनका पालन पोषण भी कर रही है, और इन्हीं बच्चों ने कई लोगों की जान बचाई। कैमरामैन शर्मा के साथ रेवती, एबीएन न्यूज़। तब उस सिंसियर पुलिस ऑफिसर ने अपनी गन निकाली। देखिए हमेशा पुलिस की कहानियाँ। ये क्या, आप इस वक्त बिना कैमरा के कवरेज करने आ गए? बैठो। हमारे चैनल वाले लोग मुझे ही हीरोइन समझ रहे हैं। इस सब की वजह आप सब लोग हो, इसलिए हमारे भैरव को थैंक्स कहने आई हो। रिकॉल प्रोग्राम को सुपर रेस्पॉन्स मिला है। इस प्रोग्राम को देखकर सब लोग यही समझ रहे हैं कि मूछ वाला भूषी अंडरग्राउंड हो गया है। मूछ वाला भूषी अंडरग्राउंड हो गया, जरूर उसे मार दिया होगा। मूछ वाला भूषी मर गया? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं सर, आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आई हूँ। मुझे कैसी प्रॉब्लम, बेटा तुम लोग सो जाओ। आखिर तुम हो कौन? इसी स्टेशन में ड्यूटी करते हुए मारे गए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ सर। उस चतुर्वेदी का भाई एक राक्षस है। वो चतुर्वेदी जनता के आगे नाटक करता है, लेकिन उसका छोटा भाई खून खराबा करके लोगों पर अत्याचार करके दहशत फैला रहा है। वो सबको अंदर जाने के लिए बोलो। अरे चलो 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 यहाँ से जल्दी अंदर चलो। छोड़ दो मुझे। बास्टर्ड? Yes, I am bastard. ये बास्टर्ड का नाम जानता है तू? FIR लिखते वक्त तेरे मुंह से उगलवाऊंगा। मुझसे बात करते समय तुझे सिर्फ जुबान ही काम में नहीं लानी थी, दिमाग भी काम में लाना चाहिए था। बताओ इसे किसने मारा? इस लड़की का बलात्कार हुआ था सर। ये मर कैसे गई? बदनामी के डर से। गुड, अपनी औकात नहीं रहना। मैं इंसाफ मांगने के लिए नहीं आई हूँ सर, मेरे पति की तरह आप भी बदनाम ना हो ये बताने आई हूँ सर। रेवती, तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता। कल तुम्हारे टीवी प्रोग्राम में तुमसे सिलेक्ट होने वाले पेपर इसी केस के होने चाहिए। गवाही देने के लिए किसी को आना होगा। मेरे पति मरे इसीलिए मुंह बंद कर रखा है सर।
आपको कुछ हुआ तो कौन आएगा सर? इस जनता में इतनी हिम्मत और अच्छाई नहीं है सर। अगर मुझे कुछ हो गया इसलिए आप मेरे पास बिना किसी काम के नहीं आई। जनता में अच्छाई अभी जिंदा है, लेकिन अभी वो सांस ले रही है, उसे बचाने के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। पहले तुम लोग केस करो, उसे अरेस्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। वेलकम टू द सक्सेसफुल एंड सेंसेशनल प्रोग्राम रिकॉल। रोज की तरह आज भी एक पेपर निकालते हैं। पेपर में से हम सेंसेशनल केस देखते हैं। बीच सड़क पर लड़की का बलात्कार, एसआई का मर्डर। 10th क्लास स्टेट में फर्स्ट आकर गोल्ड मेडल पाने वाली इस लड़की का बलात्कार किया गया और उसी लड़के के हाथों मारी गई, एसआई रामकृष्ण। ये कहानी तब लोगों ने बताई थी। आखिर उनके साथ क्या हुआ, ये उनकी मिसेज से पूछते हैं। आपके पति सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं ऐसा आप कह रही हैं। एक लड़की के रेप केस में दोषी होने की वजह से सुसाइड किया ऐसा पुलिस बता रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे पति को चतुर्वेदी के भाई ने मारा है, ये जनता को पता है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है। मेरे पास सबूत है और कल मैं कोर्ट में पेश करने वाली हूँ। देखा आपने, इंसाफ ना मिला हो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे ही पड़े हैं। इन सारे केसेस को बिना डरे सामने लाना ही हमारे रिकॉल का मकसद है। तूने सोचा नहीं होगा ना कि मैं आ जाऊंगा? उस पुलिस वाले ने क्या सिखाया था जो इतने दिनों के बाद तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई? हाँ, उसके साथ मिल करके कोर्ट में गवाही देने वाली थी, पर वहां तेरा पति अकेला है, शायद बोर हो रहा होगा, उसके पास भेजता हूँ। अरे ओ लंबू, जरा इधर तो पलट। औरत को मारने से मर्द नहीं बनेगा, मुझ जैसे से पंगा ले तो पता चलेगा। इंस्पेक्टर अच्छा हुआ तो आ गया, उस दिन तुझे पुलिस स्टेशन के साथ ही उड़ाने वाला था, तब तो तू बच गया था, लेकिन अब मिल गया है। बाय वन गेट वन फ्री से ही कहते हैं। बहुत कमर्शियल है रे तू, लेकिन मैं भी प्रैक्टिकल हूँ। तेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत इसके पास है और ना ही मेरे पास, लेकिन तुझे मारने के लिए डिपार्टमेंट में कुछ तो बताना पड़ेगा ना, इसीलिए नाटक था वो टीवी प्रोग्राम। मुझे मारने के लिए आया तू? अभी शूट कर दूंगा इसे। आगे मत बढ़ना। हाँ, एक के जिंदा रहने से 100 लोग परेशान रहेंगे तो थोड़ा सोचूंगा, और एक के मरने से ही 100 लोग खुश रहेंगे तो उस तरह के सर दर्द इंसान को मैं चांस भी नहीं देता। बिजनेसमैन चतुर्वेदी के भाई का एनकाउंटर करने वाला भैरव। मेरे भाई को मारा तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया था, तुम्हारी होशियारी से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं, वो आते हैं पहले वार्निंग देते हैं और नहीं मानने पर गुंडे बदमाशों को मारते हैं, लेकिन तुम लाठी नहीं उठाते हो, अपने लोगों से पकड़वाते हो। तुम गुंडों को मारना नहीं चाहते हो, जनता को बदलना चाहते हो। रे, मैं जनता के अंदर डर जगाकर काम करता हूँ, तुम उसे भगाने के लिए वर्कआउट कर रहे हो। तुम मेरे कितने भी गुंडों को मार दो, लेकिन जनता को बदलना छोड़ प्लीज। अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करना चाहिए,
ऑर्डर नहीं देना चाहिए, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मार देना बहुत छोटा काम है, बदलना बहुत बड़ा काम है। बदलने का काम छोड़ दो, तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए यही अच्छा रहेगा। आज से तुम्हारी बात मानूंगा, चलता हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे गुस्सा नहीं आया है। मारना चाहता है तो मार देना। समाज से सभी लोग शमशान जाते हैं, ये भैरव समाज के लिए शमशान से आया है। बातों से कोई काम नहीं होता, किसी के कहने से अगर कोई बदल जाता तो गीता में कृष्णा के बोलते ही, बाइबल में जीसस के बोलते ही, कुरान में अल्लाह के बोलते ही बदल जाते, लेकिन नहीं, मरते ही लाश में बदल जाते हैं। और ये इस भैरव के समझ की फिलॉसफी है। मैंने अब तक तुझे नहीं मारा क्योंकि अब तुम लोगों के हीरो बन चुके हो। मारा तो जनता के दिलों में भगवान बन जाओगे, और वो मुझे पसंद नहीं। मैं मारना कभी फिक्स नहीं करता, फिक्स किया तो तुम चिल्लाओगे, रोओगे कि मुझे इस नरक से बचाओ, और मेरे पैरों पर गिड़कर अपनी मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे तुम, और तब मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे ऐसा फिक्स मत करने दो। सही बात बोला कि मारना इजी है, अगर हम लोग दोबारा मिले तो उसे मैं ही फिक्स करूंगा। आज तुम्हारी वजह से एक नई बात सीखा हूं। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, एक के कहने से दूसरा नहीं बदलता है, कभी नहीं। एनकाउंटर के बाद तुमसे बात किया तो तुम्हें गलत समझा, तुम्हें एसीपी का प्रमोशन मिला है, कांग्रेस भैरव। मुझे कुछ भी मिले, दुकान तो धोने की ही है ना। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है, बहुत फ्रैंकली बात करते हो। ये लो बेटा, ये भैरव, तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। धोना बंद कर दूं क्या? नो, जब से मेरी पत्नी ने इस लड़के को देखा है तब से ये इसे गोद लेना चाहती है। हमारे बच्चे नहीं है, इसे हम गोद लेना चाहते हैं भैरव। मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैरव, मैं यहीं रहूंगा। शिवा हमारे साथ रहेगा, रहने देना भैरव। तुम वहाँ रहोगे तब भी जब चाहो तुम यहाँ आ सकते हो बेटा। हमेशा के लिए तो नहीं आ सकता ना? सच है बेटा, लेकिन वहाँ तुम्हारे पास माँ होगी। लेकिन मुझे माँ से ज्यादा इस भैरव से ही प्यार है। माँ दूंगा कहकर मेरे भगवान से मुझे जुदा मत करो। ये भगवान माँ तो दे सकता है, लेकिन माँ का प्यार नहीं दे सकता। इसीलिए तो गलती को सुधारने के लिए इस माँ को यहाँ भेजा है। शिवा, तेरे पास माँ है तो मेरे पास भी माँ है, जितनी खुशी होगी मुझे। जाऊंगा भैरव, तुम्हारे लिए कहीं भी जाऊंगा, हंसते हुए जाऊंगा, प्रॉमिस। टाइम सीनियरिटी की जगह सिंसियरिटी को प्रमोशन मिला है सर। इस शहर के अच्छे दिन आ गए सर, आपने शहर का होलिया बदल दिया, ये देखकर लोग बहुत खुश हैं सर। हम आपके साथ हैं सर, जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, बताइए क्या करें सर। सिटी के सारे गुंडों को बुलाओ, फोर्स करके नहीं, फ्रेंडली बुलाओ। इस तरह अगर स्कूल में बैठते तो अब तक ऑफिसर बन जाते। छी, मेरी शादी में भी ऐसी ग्रुप फोटो नहीं ली थी। पुलिस स्टेशन में फोटो लगा के हमारी पूजा करेगा क्या? फ्रेंड्स, बोलते ही बिना इनकार किए यहाँ आने के लिए थैंक्स। तुम लोग भी बैठ जाओ। हमारे सामने नहीं बैठेंगे सर। ओहो, प्रोटेक्शन तुम भी मेंटेन करते हो, गुड। सॉफ्ट ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स? हॉट ड्रिंक्स मतलब? समझ गए सर, आपके सामने होशियारी नहीं करेंगे। यहाँ मारना ये देखा होगा, यहाँ मारा तो निकलेगा वहाँ, ऐसा रहता है इस भैरव का वार। साइलेंट बैठो, मैं क्या करूंगा ये सोचकर मत डरो। फ्रेंडशिप से बुलाया ना,
पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो। बड़ा बाजार मेरा है, सुल्तानगंज हमारा है, एयरपोर्ट मेरा है, सब्जी मंडी मेरी है। दत्त तेरी की, तुम जैसे जागीरों की, राजे महाराजे भी ऐसा बंटवारा नहीं किए होंगे। एरिया की बात तो ठीक है, धंधे की बात बताओ। रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर मेरा है, लैंड एंड क्राइम, क्लब और पब सारे मेरे। अच्छा बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तुम जैसे लोगों को गवर्नमेंट छूट देने से ऐसा ही होगा, इसलिए तुम सबको एक चांस देता हूँ। आप अगर हमसे बदलने के लिए कहोगे तो ये हमसे नहीं होगा सर। अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है, तुम्हें बदलने को कहूंगा हैं? और मेरी ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है, इसलिए तुम जिस एरिया में धंधा कर रहे हो वो एरिया मैं तुम्हें देता हूँ, अपने बच्चों की तरह देखना। गुंडों के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम रखी है क्या सर? हम कोई स्कीम डेवलप कर सकते? नहीं, अब तक जो तुम लोग धंधा कर रहे थे उसे डेवलप करके पैसे कमाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अब तक जिस एरिया के तुम गुंडे थे, अब तुम वहाँ के राजा बन जाओ। सुपर आइडिया है सर, आपका हिसाब को मिल जाएगा। अरे जल्दी मत करो, पूरी बात सुनकर डिसाइड करो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तुम्हारे एरिया से मुझे किसी भी तरह का छोटा सा भी कंप्लेंट आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। समझ गए सर, आप हम लोगों को नहीं बदलना चाहते, कहानी बदलना चाहते हैं, ये कैसा गेम है सर? डील या नो डील, जल्दी डिसाइड करो। देखते ही क्लिक करने के लिए ये कौन बनेगा करोड़पति का शो नहीं है सर, मौत का मैटर इतनी आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते सर, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। 5 मिनट टाइम दीजिए सर। टेक योर ओन टाइम। अरे अभी तक तो कंफ्यूजन कर रहा था और अभी देखो डांस कर रहा है, आखिर चाहता क्या है तू? अरे इस दिल में नुकसान पुलिस का है, फायदा हमारा है, उसके बोलते ही हम अगर डांस करते तो मैटर पूरा समझकर मन बदल लेता, तो इसमें हम लोग का क्या फायदा है? हमने मर्डर किया तो भी हम पर कोई केस नहीं करेगा, वैसे हम पर पेटी कैश कौन करेगा बे? अरे तेरे दोनों स्पीकर उड़ गए हैं रे, पेटी केस मतलब सिर्फ हम लोग ही नहीं, हमारे एरिया में कोई भी चोरी करेगा, घर के आसपास कोई झगड़ा हुआ, किसी दूध वाले और पेपर वाले में लड़ाई हुई और उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन में केस हुआ, तो हमारा कोई संबंध न होने के बाद भी वो हम लोगों को मारेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना सिर पर टोपी पहने ही वो हमें चौकीदारी करने के लिए कह रहा है, ये है मैटर। जैसे गवाह को कुट जाने से रोकते हैं वैसे इन लोगों को भी रोक लेंगे, ये कोई बड़ा बात है क्या? चुप, बैठ जाओ, ऐसे नाचने लगे तो वो समझ जाएगा, इसलिए मजबूरी में मान गए हो, ऐसा फेस पर दिखाओ अपने। फ्रेंड्स, डील के बारे में क्या डिसाइड किया? आप मारना चाहे तो किसी भी बहाने से मार सकते हैं, ऐसे में कम से कम थोड़ी समाज सेवा तो हो जाएगी सर, हम लोगों के अंदर भी थोड़ी इंसानियत है सर, डील ओके है सर। इस डील में तुमने धंधा किया तो पैसे आएंगे और अगर पिटी केस भी आया तो तुम्हारी जान जाएगी, ये बात भूलना मत। हाँ, इस पूरे मैटर को भूलना चाहे तो भी बार बार यही बात याद आती है सर, कैसे भूल जाएंगे सर? आपकी बात तो वो भी समझ जाएगा सर जिसे ABCD भी नहीं आती, मरने के बाद तो आदमी को डॉक्टर भी जिंदा नहीं कर सकता साहब। हम समझ गए साहब, आपकी बात पूरी तरह समझ गए। अरे शेट्टी, वो ACP हमें बातों में फंसा तो नहीं रहा? अरे यार, उसने जीसस, साईं बाबा, अल्लाह की तरह हमको समझाया, समझ गए तो अच्छा है, हमारी भलाई है, वरना क्या राम नाम सत्य कर देगा, गोली मारकर शमशान पहुंचा देगा, गले में हार पहना देगा। अरे वो बचपन में खूब कंचे खेला होगा, हर बात में गोली मार दूंगा बोलता है। आंखें नहीं है क्या तेरी, देखकर नहीं चल सकता? तुम्हें देखते हुए चलूं? तुम्हें देखकर क्यों चलूं? तू मेरे पड़ोसी की बीवी है क्या जो तुझे देखकर चलूं? साले कांत के नीचे मारूंगा मरी जाएगा, अब चुपचाप साइकिल के 5,000 निकाल दे। 5,000? यस। इसे भंगार में बेचो तो 50 रुपए नहीं मिलेंगे और तुझे 5,000 दूं? क्यों बे, ये क्या फोकट में आया है क्या? ए, ये साइकिल मुझे मेरे बाप ने मरने से पहले मुझे दिया था, चल चुपचाप पैसे निकाल नहीं तो पुलिस स्टेशन चल दिखाता हूँ। अरे सिक्स सेंस सूरजवा, ये एरिया तो तेरे अंडर में है ना? ये पूरा एरिया मेरा है। गैंग में पहला गोली तेरे को ही लगने वाला है। गोली लगेगी? ये तू क्या बोल रहा है? अरे पहले उधर देखो, वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। सुन रहा हूँ। केस करने जा रहे हैं। सुन रहा हूँ। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या कह रहे हो? अबे तू कौन है बीच में बोलने वाला? अरे मेरे बारे में बताओ कोई। क्या समझा है? भाई को ऐसी वैसी चीज नहीं है, 6 मर्डर किया है। ले ले ले। पहले मैं भी दादा था, 26 मर्डर किया हूँ, अब क्या बोलता बोल? तुझे तो भाई वरना वो हम पर केस कर देगा, हम फंस जाएंगे। छोटे, ये हैदराबाद सिटी है, सवेरे उठने से 100 टेंशन रहती है, जो होना था वो हो गया ना, अब उसे छोड़ दे। छोड़ने के लिए साइकिल क्या तेरे बाप ने दिया है? मेरे बाप ने दिया था, सेंटीमेंटल साइकिल है ये। सीमेंट या नहीं कह रहे? सेंटीमेंट जुड़ा होगा भाई। ऐसी बात है क्या? अरे भाई वो साइकिल मैं ला दूंगा, चाहिए तो बाइक भी ला दूंगा तुझे। ए तू मुझे क्या समझा है बे,
एड़ा बनाकर तू मुझे पागल समझ रहा है क्या बे? अरे सब तू ही बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूँ बे? अबे तू क्या बोलेगा? तेरी बीवी को फूल लाके दूंगा तो क्या तू चुप बैठेगा? साड़ी लाके दूंगा तो क्या तू चुप बैठेगा? ये क्या जाती है, ये कब से आपको धमकी दे रहा है? मौके की नजाकत की वजह से ऐसा लग रहा है। तुझे क्या हो रहा है रे? गोली मार सिनेमा देखने के बाद काल भैरव को पहचाना, इस भैरव का स्केच समझ में नहीं आ रहा है, तेरा क्या है रे? चल साले निकल यहाँ से। ठीक है, ठीक से कंप्लेंट लिखवाने के लिए अपने एक आदमी को ले आ रहे हैं। भाई संभालो इसको, ये पुलिस स्टेशन के बाहर। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो फोन अंदर रख, चाहिए तो मेरी गाड़ी देता हूँ, वो लेके जा। कहाँ जाएगा भाई, अपनी स्कॉर्पियो लेकर भाग गया। ए भाई चलेगा क्या? हाँ हाँ चलूंगा, कहाँ जाना है? पुरानी गली जाना है। तो जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जाएंगे। कितना लोगे? अरे मीटर जितना घूमेगा उतना देना। ट्रैफिक पर फंसेगा तो मीटर बंद कर देगा क्या? 10 रुपए कम देना। आजकल 10 रुपए कम करने से क्या होता है? और 10 रुपए कम देना। अगर मीटर में लोचा हुआ तो? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आज फ्री में ले जाऊंगा। मुझे फ्री में ले जाएगा? तेरी कोई लॉटरी लगी क्या? मुझे नहीं बैठना है, मैं जा रहा हूँ, चल। ये बात मुझसे कही लेकिन जोर से कही तो पुलिस नहीं गुंडे सुनेंगे, आकर मुझे मारेंगे। अच्छा एक बात बता, लोग गलती करने से पुलिस से डरते, तू गुंडे से क्यों डर रहे है? भाई तू एक बात नहीं जानता, पुलिस को देकर मेंटेन कर सकते हैं, गुंडे को क्या देकर मेंटेन करोगे? वो लोग आएंगे तो ओनली मसाज। रातों रात किसी साधु संत का चेला बन गया जो इसमें इतना बदलाव आ गया? किसी साधु संत की वजह से नहीं, एसीपी भैरव ने किया है, उसे सारे गुंडों को पुलिस बना दिया। अरे तो फटाफट चल, पुरानी गली ही ना? नहीं भैरव भाई के पास, उन्हें सल्यूट करना है, चल चल। यहाँ सब तो ठीक है भाई, इज्जत पर बनाई है, हम ऐसी गलियों में घूम रहे जैसे हम कोई चौकीदार हो। तुम क्या कर रहे हो अपने को समझ में नहीं आ रहा है? बंद कर रहे, हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। ये क्या भाई रखवाली कर रहे हो? हम तो पब में गए थे, वहाँ मस्त एंजॉय किया, तबीयत मस्त हो गई। हम तो बहुत मजा किया भाई। अरे हमेशा यही काम क्या करोगे, कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, पब में जाओ लड़कियों के साथ मस्त। तू ऐसे ही उछलते रहना, वो आके तुझे उछाल देगा। ऐसा क्यों बोलते हो भाई? अरे नंदू तेरा एरिया सुल्तानगंज है ना, कल तेरी डेड बॉडी पर हार चढ़ाकर वो नाचेगा। वो क्या? इसलिए आज चोरों का दिन है यार, तेरे एरिया में भी बहुत चोर घूम रहे हैं, अब तुम ये देख लो, हमें देखो, हम अपने एरिया में रखवाली कर रहे हैं, बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। कहाँ गए ये लोग? अब क्यों रहेंगे भाई, हिंट दिए हो ना, हंटिंग के लिए गए हैं। जरा इसके हाथ पांव तो देखो, ये देखो हाथ देखो तो अगरबत्ती की तरह, और पांव देखो तो मोमबत्ती की तरह, ऐसे लोगों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तुम अपनी चेन खींचने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवाने जा रहे हो ना? नहीं तो बैंक में जाऊंगा क्या? अरे पुलिस स्टेशन जाएगा तो भाई की जान जाएगी। अरे मैं स्टेशन गया तो भाई की जान क्यों जाएगी? ये रामायण की सीता की कहानी नहीं है, किसी एक्शन डायरेक्टर की फाइटिंग फिल्म है, समझ गया तू? स्टोरी मत सुनाओ भाई, पकड़े जाएंगे। तुम क्यों पकड़े जाओगे? क्यों नहीं पकड़े जाएंगे, तुम्हारी चेन आखिर किस एरिया में गई है? सनत नगर में। ए सनत नगर बाबा के पास जाकर चेन लेकर आओ। भाई चेन मारने वाले आप है क्या? पुलिस वाले सामान वापस दिलवाते हैं तो क्या वो चोर कहलाते हैं? तो फिर आप पुलिस है क्या? ए कदम साहब ने क्या कहा था? इज्जत पर बनाई है। चुप। दुनिया में अगर सबकी मदद करो तो भगवान कभी खाने के लिए कमी नहीं रखता, ये बोले थे ना? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तुझे बात समझनी है या चेन चाहिए? चेन चाहिए। तो सवाल क्यों करता है, चल हमारे साथ। ए ये अपने कॉलेज का ही कैंपस है ना? हाँ है। तो वो सीटी मारने वाले लड़के कहाँ गए? सीटी मारने वाले लड़के आजकल गुंडों की धुलाई कर रहे हैं। वो काम तो पुलिस वालों का है ना, फिर ये क्यों कर रहे हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम हो पुलिस को नहीं गुंडों को फोन करना होगा। गुंडे पुलिस बन गए क्या? उन्हें बदल दिया एसीपी भैरव ने। अरे जल्दी करो, फिल्म देखने के लिए लेट हो रहे हैं। अरे रुकिए, ताला ठीक से लगा या नहीं देख रही हूं। वो एसीपी भैरव के रहते हुए दरवाजा खुला छोड़कर गए तो भी कोई फिक्र नहीं। मुझे मार क्यों रहे हो तुम लोग? चोरी करने पर मारेंगे नहीं तो क्या चुम्मा देंगे? हाँ, चोरी की है? मैंने चोरी की है, इसका कोई सबूत है क्या? नहीं। तो फिर मैंने चोरी की है, किसी ने कंप्लेंट की है क्या? नहीं। तो चोरी किया हुआ कोई सामान मेरे पास से मिला है क्या? नहीं मिला। तो मुझे मार क्यों रहे हो? ओके कोई बात नहीं, मैंने चोरी की है मान लेता हूँ। अब आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, फिर जेल जाऊंगा। जेल में खाना फ्री, सोना फ्री, फोन फ्री, सब कुछ फ्री है। फिर आप लोग मुझे रोड पे क्यों मार रहे हो? मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किस लिए? एक आदमी को सरे हम रोड पर मारने के लिए इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 132/3 के हिसाब से तुझे 6 महीने की सजा होनी चाहिए।
इतना नहीं, ये लाठियाँ, ये चाकू, ये छुरी, ये तलवार और ये पिस्तौल। पिस्तौल कहाँ है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कंप्लेन में लिखवाऊंगा। दफा 307, दो साल की जेल होगी। भैया जरा मोबाइल देना। 100 एसीपी भैरो का फोन नंबर तुम जानते हो? बहुत क्लोज हूँ। 100 चुप, मुझसे गलती हो गई भाई, भाई समझ के छोड़ दो। भाई ये तो क्या लात से मारेगा? दाढ़ी पकड़ के माफी मांग। दाढ़ी? हाँ दाढ़ी पकड़ के माफी मांग। दाढ़ी पकड़ कर बोलता हूँ, हमें छोड़ दो भाई। ओके छोड़ देता हूँ, चलता हूँ। और सुनो एक बात और है, पत्ते खेलने वाले को 4,000 देना है, वो छोड़ देगा क्या? बार वाले को 3,000 रुपए देना है, वो छोड़ देगा क्या? पान वाले को 300 रुपए देना है, वो छोड़ देगा क्या? जब वो सब नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्यों छोड़ूंगा? वो सारे पैसे मैं दे दूंगा। चल निकल निकल जल्दी निकल। भाई इन पैसों से एडजस्ट कर लेना भाई। अभी जब आप लोग मुझे मार रहे थे तो मेरे साले का दिया हुआ ब्रेसलेट यहीं कहीं नीचे गिर गया था। ये है ना, ए निकल। मेरी सास ने 5 तोले की चैन दी थी। ये है ना, ये है ना, दे दे ये लो भाई। मेरे छोटे साले ने मेरे लिए दुबई से शर्ट भेजी थी, आप लोग मार रहे थे, वो फट गई। कहां पता है? ये देखो यहां पर 10,000 की है भाई। ए चल निकल 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 निकल। ये लो भाई, ये लो, जाओ। ठीक है भाई। एक बात और है, अभी तुम लोग मुझे मार रहे थे, उसके बदले मैं क्या करूं? हमें मारेगा क्या? अबे हुल दे रहा है क्या? एसीपी भैरो मारूंगा। हाइट प्रॉब्लम थोड़ा नीचे आ। ये ले ये ले ये ले ये ले, तूने लात मारी थी ना, ये ले तू इधर, ये ले। अबे तूने भी मारा था ना भाई? उसने मारा, उससे मार क्यों खाई हमने? अपना बैड टाइम है भाई, ये लोग कंप्लेंट दे रहे। कंप्लेंट? तेरी कंप्लेंट क्या है रे? जो एक लड़किया के साथ पार्क में बैठो तो पुलिस आके पैसा ले गई और वह लड़किया चैन मार के ले गई। कितने पैसे ले गई? 2,000 रुपए। मैं दे दूंगा। तो हमारी चैन कौन दे भैया? अरे लड़की चंपत होते वक्त देखना चाहिए था ना। शरीफ है कि बदमाश होके चेहरा पे थोड़ी लिखो। हाथ जोड़ता हूँ मैं, रुक। ये ले जा मर। लेकिन हमारा काम तो नहीं भाव। एक काम कर, मैं साड़ी पहन के आता हूँ, मुझे ही ले जा। ऐसा नहीं है भैया। तेरी कंप्लेंट क्या है रे? मेरी बाइक खो गई है। कहाँ खो गई? कृष्णा नगर में मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तब, फिर 4 दिन बाद पता चला मेरे दोस्त मेरी बाइक बेचकर वो पार्टी दे रहे थे। ठीक है, वो मैं देख लूंगा, लेकिन तू कंप्लेंट मत कर। तुम्हें किस बात की कंप्लेंट है? मेरी लवर ने मुझे धोखा दिया। तो मुझसे शादी कर लो। नहीं, मुझे कलेक्टर ही चाहिए। कलेक्टर ने धोखा दिया? नहीं, वो 5 साल के बाद कलेक्टर बनने वाला था। तो 5 साल बाद कोई दूसरा कलेक्टर मिलेगा, उससे तेरी शादी करवा दूंगा। तुझे क्या हुआ बेटा? मेरे बाप ने मेरे कंचे फेंक दिए है। ये भी कोई कंप्लेंट है क्या? वो हथियार यहाँ ला, इसे पकड़ो। तुम भी पकड़ो, तुम भी पकड़ो, तुम पकड़ो। इस हथियार से हम खुद को मार के मर जाएंगे। तुम्हारे मरने से हमारा क्या होगा? है ना, इस पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है, इसलिए केस तुम पर बनेगा। देखा कैसे भाग गए? भाई भाग नहीं गए हैं, कंप्लेंट देने गए हैं। अरे बाप रे, रोको। आपका टोटका काम कर गया सर। सिटी में क्राइम रेट बहुत कम हो गया है, पुलिस स्टेशन में कोई काम ही नहीं बचा है। ऐसे ही चलता रहा तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा सर। संडे के दिन पुलिस स्टेशन में छुट्टी कर सकते हैं। वो सच में बदलना चाहे तो भी उन्हें एक आदमी बदलने नहीं देगा। मतलब सब पहले जैसा हो जाएगा क्या सर? उन्हें जनता के बीच लाया क्योंकि गुंडे भी इंसान ही हैं ये बताने के लिए। मैं भी वही चाहता हूँ, वो काफी है मेरा काम शुरू करने के लिए। इसलिए सच में पुलिस बनने का सपना देखने वाले, हाइट कम है, वेट ज्यादा है, रिश्वत ना दे पाए या रिश्वत देना पसंद नहीं करके सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो लोग मुझे चाहिए। मैं जंग उनसे शुरू करूंगा। बुलाओ उन्हें। लगता है तुम लोग पब्लिक में काफी घुल मिल गए हो। हाँ भाई, अब पुलिस का डर ही नहीं है। हाँ भाई, यही तो उसकी चालाकी है, डरना ना जानने वालों को डरा दिया उसने। जो लोग तुमसे डरते हैं उन लोगों को तुम उनकी तरह आम इंसान हो ये बता दिया। वो डर को ही डरना सिखा रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? समझ आते तो यहाँ क्यों आते, जाकर हंगामा नहीं करते? इस बीच तुमने किसी को मारा क्या? हफ्ता वसूली की क्या? एटलीस्ट किसी को डराने की कोशिश भी की? हालत पतली हो गई, यही बता रहा हूँ मैं आपको। यानी तुम्हें पता चले बिना ही तुम्हें बदल दिया। लाठी से मारा तो घाव भरने तक ही डर रहता है, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए डर भर दिया। मजेदार बात तो यह है कि जो काम उसे करना था वो तुम लोगों से करवा रहा है। क्या खेल खेल रहा है? पुलिस वालों की फर्स्ट क्वालिटी सिंसियरिटी। नेक्स्ट, अपनी ड्यूटी को भगवान समझना। नेक्स्ट, गुंडों के लिए यमराज बनना। नेक्स्ट, मरने से नहीं डरना। यस, पुलिस पोस्ट को एप्लीकेशन देना, मतलब मौत को न्योता देना।
अंडर कॉप्स यानी पुलिस ड्यूटी नहीं, जनता को पुलिस बनाने की ड्यूटी। कहीं गलत हुआ तो पूछने जैसा, और अगर कोई मारने जाए तो उसे मारने जैसा। जनता को बदलने की ड्यूटी। क्या जनता बदलेगी सर? उस दिन पहले रोकने वाला मेरा आदमी था, उसे देखने के बाद लोग मूछ वाले मुंशी को खूब पीटे। तुम में से एक अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ा तो तुम्हारे पीछे 10 लोग आएंगे, चारों जाकर हाथ उठाएंगे तो 100 लोग मारने को आएंगे। वहीं इस भैरव की फिलॉसफी है, क्यों ना जनता को ही पुलिस में बदल दिया जाए। उनको हम जरूर बदलेंगे सर। लकड़ी को जलाओ तो आग लगती है, बुझा दो तो फिर कोयला बनता है। जनता भी ऐसी ही है, कोयले की तरह है। अब तुम्हारा काम सिर्फ आग लगाना है। इस परीक्षा में अगर पास हो गए तो पुलिस जॉब मैं दे दूंगा, तो तब तक तुम अंडर कॉप्स बनकर काम करो। यस सर। चतुर्वेदी ने रात को गुंडों से मीटिंग की। मैंने पहले ही बताया था ना। हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ। चतुर्वेदी को कम होशियार मत समझिए। भैरव को भी आप कम मत समझिए सर। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो, क्या प्लान किया आखिर में? पब्लिक को गुंडे बना रहा हूँ सर। जनता के दिल की आग किसी ज्वालामुखी जैसी है, उसे यूं बाहर निकालना सोचकर हर बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई गुंडा गणेश पूजा का चंदा मांगने जाता है, 100 देते हैं तो 100 कम है बोलकर 500 बोलते हैं, जाने दो सोचकर उसे वो दे देते हैं। उसे पता है उस पैसे से वो किसी वाइन शॉप में जाकर दारू पिएगा। ये अपने ट्रैफिक पुलिस वाले सब कुछ होने पर भी पकड़ते हैं। 5 मिनट लेट हो गए तो बॉस कहीं डांट न दे, जाने दो कहकर उसे भी पैसे देते हैं। बस में जाकर देखिए, टिकट लेने वाले खड़े रहते हैं, बिना टिकट वाला बैठा रहता है। फिर भी ये सब क्या है कोई नहीं पूछता है सर। किस लिए जानते हैं? क्योंकि वो घर जाते ही हंसते हुए चेहरे के साथ अच्छी सी साड़ी पहनकर हाथ में कॉफी लेकर आने वाली बीवी के लिए सर। फर्स्ट क्लास में पास हुआ, फलाना गेम में कप आया पापा, ऐसा बोलने वाले बच्चों के लिए। इतनी मुश्किलों को हंसकर झेल रहा है सर। अगर वो इस हंसी को थोड़ी देर के लिए भी साइड में हटाता है तो हमें देखने वाला है। इस शहर का आम आदमी ही इन सब में सबसे बड़ा गुंडा है सर। लेकिन तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वो मेरे रिक्रूट किए हुए अंडर कॉप्स देख लेंगे सर। उन पुलिस वालों को और ये सारी पब्लिक को मेरे बारे में पता नहीं है, जरा बताओ मैं कौन हूँ। हिम्मत नहीं है तो हमें मारने आ गए क्या? रोज रोज ऐसे मारने की जगह एक बार में पूरा खत्म कर दो। हाँ हाँ, मार डालो। ए, तुम जैसे लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सबको हम लोग ही मार डालेंगे। मरना आसान है, मारना नहीं है रे। तुम लोग हमें मारोगे? चल जल्दी जाने दे। मारने वाला इस दुनिया में कब का हम जैसा गुंडा बन गया है। अब तुम लोग बुजदलों की तरह बचे हो, ये जानकर जियो रे। उस पुलिस वाले के भरोसे अगर दोबारा तुम लोग उछलोगे ना, तो इस बार 4 नहीं बेटे 40 के सर काट डालूंगा। चलो रे। सर, आपने जैसा कहा हमने वही किया सर, लेकिन देखिए क्या हुआ। ये क्या है? तुम लोगों के होते हुए वो लोग यहाँ आए और ये सब करके चले गए। मैंने ही उन्हें ये करने के लिए कहा था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सरकार ने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी, गुंडों के हाथों हमारे बच्चों को मरवाने के लिए क्या?
तुम में हिम्मत है तो जाकर उन्हें मारो। गुंडों के हाथों हमारे बच्चों को क्यों मरवाया? हमारे बच्चों की जान गई, इसकी वजह तुम ही लोग हो। अब हम किसके सहारे जिए? तो कहा था ना, किसी सीनियर ऑफिसर के कहने से वर्दी नहीं उतारूंगा। पब्लिक बोलेगी तो वर्दी उतार के फेंक दूंगा। उतार दो, पब्लिक बोल रही है उतार दो, अपनी वर्दी उतार दो, उतार दो। हमारा दिल जल रहा है, तुम तो असल में पुलिस बनने के लायक ही नहीं हो। उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो। नहीं रुक जाइए, ये लोग नहीं बदलेंगे सर। उतार दो, उतार दो। आप इस आम जनता को सुधारना चाहते थे ना? अगर ऐसे ही मरते गए तो ये सिटी क्लीन होगी सर? महानता गांधी जी की है। गांधी जी को किसी ने घृणा के कारण मारा, फिर भी जनता के दिल में गांधी जी की अच्छाई ही है। यही जनता की खास बात है। मेरी कोशिश में गलती हुई है, लेकिन मेरी कोशिश गलत नहीं है। मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकता हूं। कुछ भी करूं तो आपके बच्चों की जान नहीं ला सकता। आप लोग जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूं। ठीक है ना? बियर में पानी की तरह मिल गया। वो था तब ऐसा किया, लेकिन हम तो हमेशा फ्रेंड है ना। ए, उसको देख के तुम लोग का है उछलने लग रहे। अब दोस्ती कट, अब तुम लोग का हम लोग बैंड बजाने वाला है। कट, उसके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? हाँ, बाहर निकाल रहे सबको। उस समय तो हफ्ता देने में हाथ दर्द कर रहे थे तुम्हारे। हाँ, साल भर का एक साथ वसूल करो सालों से। चले निकाल साले। पहले पैसे खा लिए। नहीं रे, अब हम खाएंगे। निकाल, निकाल ये बच्चे ले लो। क्या कर रहे हो बेटा? भैरव के लिए न्यूज तैयार कर रहा हूँ सर। सच आग का गोला होता है, इसे छूने पर ही हम जलकर खाक हो जाएंगे। तुझे रखा तो इस चैनल को ही खा जाएगा सर। यू आर डिसमिस्ड सर। गेट अप सर, गेट अप। ऐसे लोगों की वजह से ये चैनल खराब हो रहा है। क्या है बेटी? भैरव के बारे में सारे चैनल बिना कुछ सच जाने कुछ भी दिखा रहे हैं सर। तुम सच जानकर प्रेजेंट करो बेटी। वही काम शुरू कर रही थी तो न्यूज रीडर जल्दी कर रहा है। हाँ सर, सेंसेशनल न्यूज डालने के बाद भी चैनल वाले उसे रिपीट कर रहे हैं सर। हम लोग अभी अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा सर। एक्सक्लूसिव डालने पर ही आज जनता एक्यूज कर रही है सर, वरना चैनल बदल रहे हैं सर। मैंने अपने एमडी को भी ठीक यही बताया था। तभी तो आपको प्रमोशन मिला था ना सर। नहीं, जान पर आ गई थी। ओह, उन्होंने क्या कहा जानते हो? क्या कहा था? सेंसेशनल न्यूज नाम की कोई चीज नहीं होती। हम सच को दिखाए तो वही सेंसेशनल होता है। दूसरे चैनल दिखा रहे हैं तो हम भी उस झूठ को दिखाए, ये बेकार का काम है। अगर तुम नहीं जानते हो तो अपना मुँह बंद करके बैठ जाओ। ओ, ऐसा कहा क्या सर? हाँ यही बोला, और यही मैं तुमसे कह रहा हूँ। अब चलता हूँ। हाँ जाओ। अच्छा चलता हूँ। जाओ जाओ। देखो बेटी, सारी सच्चाई जानने के बाद ही हम न्यूज प्रेजेंट करेंगे। तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में और हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें एक और टीम दे दूंगा। एमडी सर पूछे कि लेट क्यों हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, गो अहेड। बच्चे तुम्हारे साथ? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन शिवा कहाँ है? ओहो, वो तो वहाँ है ना। उसे स्टेट गवर्नमेंट बहादुर बालक का अवार्ड देने वाली है। कल गवर्नर शिवा को अवार्ड देने वाले हैं। हम लोग वहाँ जाएंगे ना? जरूर जाएंगे। जान की बाजी लगाकर पुलिस स्टेशन में कई लोगों की जान बचाने वाले शिवा को सरकार कल बहादुर बालक का अवार्ड देगी। माँ, कल मेरे फंक्शन में भैरव आएगा ना? आएगा बेटा, तुम सो जाओ। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे भाई को मारकर उसने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। उन अंडर कॉप्स को हमने ही प्लान करके मारा है, ये बात पता लगने तक। कैसे पता चलेगा?
ये कौन है? ए, वो भाग रहा, पकड़ो पकड़ो। हेलो भैरव, जैसे भी उसे बचाना। हेलो हेलो, दो दिन में तेरा सगा बेटा बन गया, मार डालूंगा। क्या हुआ तुझे? वो अंडर कॉप्स तुम्हारी वजह से नहीं मरे, उस कमिश्नर ने तुम्हें धोखा देकर प्लान उस चतुर्वेदी को बताया था। रेवती, शिवा को हॉस्पिटल लेकर जाओ, उसे और उन्हें शमशान तो मैं भेजूंगा। चल गया होगा तुम्हें मारने के लिए, वो यहीं आएगा, इसीलिए तो मैं डर रहा हूँ। इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे पास पुलिस है ना? वही तो डर की बात है, गुंडे कम से कम लड़ते तो हैं, हमारी पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है। टेंशन मत लो। टेंशन क्यों ना लो, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? चोट लगने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। बुलेट वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं, इनकी जरूरत बॉर्डर पे होती है, निशाना सही लगाना। बोला था ना वेस्ट मत करना, अब तक मेरी कोशिश में कोई गलती थी ये समझा था, लेकिन तू बड़ा कमीना है, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। इस शहर का आम आदमी ही इन सब में सबसे बड़ा गुंडा है सर। लेकिन तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वो मेरे रिक्रूट किए हुए अंडर कॉप्स देख रहे हैं सर। गोद लिया तो अच्छा इंसान समझा था, ड्रामा करता है तू धोखेबाज। बेहोश रहा तो हम लोग सेफ रहेंगे, ऐसा सोचकर बेहोश करवाया था। मरने वाले को होश मिलाकर क्यों मारना? बेहोशी में ही मारो। आज अगर इसे मारा तो सिर्फ इसकी ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगर वहीं हम इसे पागल बना के जनता के बीच में छोड़ दे तो ऐसी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नया आने वाला हर पुलिस ऑफिसर इससे सबक लेगा। पुलिस ऑफिसर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, लोग उसे पागल की तरह देखेंगे। जनता को बदलूंगा बदलूंगा कहने वाला आज यहाँ पे पड़ा हुआ है। गड़बड़ हुई तो उसके प्लेस में हम रहेंगे।
होश में आए शेर को पकड़ने के लिए जाल है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तूने जनता की ताकत को माना, मैंने उस जनता की कमजोरी का फायदा उठाया। तूने मछली पकड़ने का जाल बिछाया, मैंने शेर को पकड़ने का जाल बिछाया। ए, अपने खुद के बच्चों को मारकर खाने वाले बाघों से, किलोमीटर तक बदबू फैलाने वाले शेरों से मेरी बराबरी मत करो, गैसिंग उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तेरे पागल हो जाने के बाद तेरे चेहरे पर परमानेंटली यही हंसी बनी रहेगी। अरे मैं रोज भगवान से कहता हूँ मेरे तन पे यूनिफॉर्म रहे, मैं ड्यूटी में ही रहूं और ड्यूटी करते वक्त मेरी मौत हो जाए, मैं एक्सीडेंटली नहीं मरूंगा, एक्शन से मरूंगा। मेरी शव यात्रा में हजारों लोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम जैसे 10 लुच्चे लोग ही मेरे साथ ऊपर चले तो काफी है। इतने दिनों से प्रार्थना की है, अब तो भगवान ने सुना ही होगा, वही याद करके हंस रहा हूं मैं। कहीं इसने बेल्ट बम तो नहीं लगाया है? जल्दी से शॉक देता हूं इसे। इतने पॉइंट्स लगा तो ये मर जाएगा, मुझे ये पागल चाहिए, मरा हुआ नहीं। यस सर, यस सर। तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? हा? टेंशन है, डीजीपी ने इसे लाने के लिए तुरंत कहा है। ये क्या, ये ड्रेस क्या, यहाँ क्या बैठना? चलो डीजीपी को उसका नाम लेकर नहीं बुलाया जाता मिस्टर भैरव। डीजीपी है ये? अपनी आंध्र प्रदेश सरकार हर साल की तरह जनता की मदद करने वाले जाबाज लोगों को विशिष्ट पुरस्कार राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम गवर्नर सर के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। 40 सालों से विद्या के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वेंकटेश्वर राव जी को इस साल का उत्तम विद्वान का पुरस्कार लेने के लिए स्टेज पर मैं आमंत्रित करती हूं। उनका तालियों से स्वागत कीजिए। बॉम्ब ब्लास्ट में पुलिस स्टेशन के अलावा कई जानों को बचाने वाला चिरंजीवी शिवा को इस साल का बहादुर बालक के अवार्ड के लिए चुना गया है। मैं चिरंजीवी शिवा को स्टेज पर आने के लिए निमंत्रण देती हूँ। नमस्कार सर। डॉक्टर, बच्चे को क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बचपन से है, चोट लगने की वजह से अभी पता चला है। तुम पैसों की परवाह मत करो, मैं गवर्नमेंट से सिफारिश कर दूंगा। सॉरी सर, ये क्रिटिकल सिनेटिक हार्ट डिसीज है, एसएम इंजन सिंड्रोम, 48 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगा सर। बेटा, तुमसे मिलने गवर्नर साहब आए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, तुम्हें यही अवार्ड देने आया हूँ। अब तुम इस राष्ट्र के बहादुर बालक हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कोई है बेटा? भूख में पला बड़ा हूँ, आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं, पूरा करेंगे ना सर? जरूर करेंगे बेटा। स्टेट का डीजीपी बनना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं, मेरी मौत की ख्वाहिश है, माय डेथ विश। बच्चे को ड्रेस पहनाकर डीजीपी ऑफिस की चेयर पर बिठाओ, अगले 48 घंटों के लिए बच्चा ही डीजीपी होगा। नहीं सर, सिर्फ ड्रेस पहनकर प्रेस को बुलाकर मैं ही डीजीपी हूँ बोलना मुझे पसंद नहीं। सच में डीजीपी को जो पावर्स होती हैं वो मुझे चाहिए। तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या जानकारी है? मैं कचरे में पैदा हुआ लेकिन बड़ा पुलिस स्टेशन में हुआ हूँ, गुनहगारों और पुलिस सेक्शन से वाकिफ हूँ। डीजीपी की पावर्स क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है, सब मैं जानता हूँ सर। स्टेट का डीजीपी एक होता है, कमिश्नर 4, एडिशनल डीजीपी 18
IG-45, DIG-45, SP-65, Additional SP-175, DSP-731, CL-2411, SI-7894, ASI-6764, Head Constables 21,962, Constables 89,601, Total 129,716. AP में Police Stations Law and Order 1509, Ley Line 6, Traffic 84, Mahila Police Stations 28, Crime 33, Octopus 1, Task Force 1, SIB 1, ACB 1, CID 2, Hyderabad 1, Cyberabad 1. AP में कुल मिलाकर पुलिस स्टेशंस हैं 16,078. पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर इंटेलिजेंट, आईडी, सिविल, एपी स्पेशल फोर्स, होमगार्ड, ग्रे हाउस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, एपी प्रोटेक्शन पुलिस, ऐसी 15 शाखाएं हैं। स्टेट में हर 700 नागरिक पर एक पुलिस है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम पढ़ाई इंटरमीडिएट, कम से कम लंबाई 172 सेंटीमीटर, पुलिस हेयरकट ठीक ना हो तो भी सस्पेंड कर सकते हैं, मूंछ बढ़ाया तो अलाव कर सकते हैं। लेकिन वो अधिकार किसी को नहीं है बेटा। इस राज्य के प्रधान होने के नाते गवर्नर साहब को है सर। अगर सरकार को बदलने का अधिकार गवर्नर साहब को दिया गया है तो कोई भी हक देने का अधिकार तो उनके पास होगा ही सर, वरना अपना राज्याधिकार बड़ा कैसे होगा सर। अगर 100 मुजरिम फरार हुए तो भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने राज्याधिकार में नहीं लिखते, बल्कि 100 निर्दोषों को सजा हो जाए लेकिन एक दोषी भी नहीं बचना चाहिए, ऐसा अपने राज्याधिकार में लिखा होता तो अपना राज्य बुरा बनता लेकिन देश का भविष्य अच्छा होता सर। क्या मेरी ये सोच गलत है सर? तुम्हें DGP बनाने का ऑर्डर इश्यू कर रहा हूँ। सर ये बच्चे को बहलाने के लिए ना? नहीं, सच में किसी को इतनी जानकारी नहीं है जितनी इस बच्चे को है। अरे अब जो हो रहा है उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हर मिनट मॉनिटरिंग करके हर पल की रिपोर्ट मुझे भेजते रहो। रेबॉय अवार्ड फंक्शन में शिवा अटेंड नहीं हो पाया, इसलिए फाउंडेशन संस्था ने गवर्नर से सिफारिश करके शिवा की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। मिस्टर भैरव, अब आगे से तुम सस्पेंडेड पुलिस वाले नहीं हो। टोटल पुलिस डिपार्टमेंट में जो बदलाव करना चाहते हो वो करो। पुलिस स्टेशन में भी संडे को छुट्टी होनी चाहिए, ये तुम्हारा ड्रीम सच में बदल दो। भगवान ने मुझे 48 घंटों का टाइम दिया है, मुझे जिंदा रखने के लिए नहीं, तुम्हारे इरादे बुलंद करने के लिए। बताकर करना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो भी चलेगा सर। आसानी से मरने का कोई तरीका बताइए। मारना तो हम अच्छी तरह जानते हैं लेकिन मरने का हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक मौज करना था मौज किया, अब कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। 48 आवर्स के बाद वो सिर्फ एक क्रिमिनल होगा। तुम्हारे डिपार्टमेंट का एक आदमी क्रिमिनल होगा। 48 आवर्स में क्या होगा कोई नहीं जानता है। Enjoy करो। क्या बोल रहे हो? मैं तो बेकार नहीं डर रहा था। अच्छा हुआ आत्महत्या नहीं की। सारी तैयारी किया था लेकिन बच गया। संभाल कर रख लीजिए, कभी भी काम आ सकता है। इस देश के इतिहास में एक सेंसेशनल फैसला हुआ है। जिंदगी और मौत के बीच झुलसने वाले एक 10 साल के बालक को अगले 48 घंटों के लिए DGP बनाया गया है। क्या ये फैसला सही है, इस बारे में जनता की राय क्या है, उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। एक 10 साल के बालक को DGP का पोस्ट दिया गया है, इसके बारे में क्या राय है? समझ में नहीं आता कि इस राज्य में हो क्या रहा है। पब्लिक को पागल समझ रखा है क्या? बच्चों का खेल है क्या? मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। मेरे बच्चे की जान लेने वाले उस ACP ने उसकी परवरिश की है, फिर से कोई दुर्घटना न हो इसका मुझे डर है। उस बच्चे की बातों से लग रहा है कि अगले 48 घंटों में राज्य में कुछ अच्छा होने वाला है। बड़े होकर कम दिमाग चलाते हैं, मुझे लगता है उस बालक के आने से कुछ बदलाव जरूर आएगा। सुना आपने, हमारे देश की जनता की राय क्या है? अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है इसके बारे में जानने के लिए जनता काफी उत्सुक है। आपको हमेशा इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए खबरें मिलती रहेंगी। ABN न्यूज। रेवती जी सर, इस 48 घंटों का DGP बनने वाले लड़के की जिम्मेदारी के मामले में हमने बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग तय की थी ना, सब लोग आ चुके हैं। प्रख्यात जनसेवक रोशन राजी नहीं आए सर। क्यों? क्योंकि दूसरे चैनल वाले उन्हें ज्यादा पैसे देने वाले हैं। तो फिर उन्हें जनसेवक नहीं कहना चाहिए, लालची कुत्ता कहना चाहिए। राइट, उनसे तुम्हें जो पूछना है वो मैं बताता हूँ, लिख लो। मैं तो लिख चुकी हूँ सर। काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, लिख लो। इतने छोटे से लड़के को DGP पोस्ट देना संविधान में लिखा है क्या? सर, देने के बाद ये सवाल करना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। जाने दो, ओहदा उसे सच में दिया गया है या प्रेस और पब्लिक को धोखा देने के लिए खाली दिखावा मात्र है। अगर ऐसा होता तो भैरव को ये पोस्ट कैसे मिलती और DGP के सारे पावर्स भैरव को कैसे मिलते? ये तो सच है। अब भैरव क्या करने वाला है जिससे जनता का फायदा होगा? क्या फायदा होगा सर,
ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा ना सर। ओ अच्छा, तो क्या पूछना चाहिए तुम बताओ। भैरव अब आगे क्या करेंगे तो जनता का फायदा होगा, ये पूछना चाहती हूँ सर। ओके सुनो बेटा, मैं भी बच्चे वाला नहीं हूँ, सवाल मैंने ही लिख कर दिया है ये बोलना, वरना मैं पब्लिक के सामने सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगा। ठीक है सर। सर 48 घंटे 2800 मिनट सर, 132,800 सेकंड्स, हर सेकंड वैल्यूएबल है सर। शुरुआत कहाँ से करनी है ये बताइए। कभी भी किसी को ऐसा मौका नहीं मिला है अपनी खोई हुई उम्मीद को फिर से वापस पाने की आशा। होगा सर, आपके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम अपनी जान दे देंगे सर, हर सेकंड में गुंडे को काट फेंकेंगे सर। क्या मटन की दुकान खोल रखी है जो हर सेकंड पे एक को काटना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं सर, रिटायर होने तक हम जो नहीं कर पाएंगे उसे हमें 48 घंटों में करके दिखाना है। उन्हें शांति दिलाने के लिए हम अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर वो सब कुछ करें, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे 100 दो तो वोट देंगे, लाख देकर सरकारी नौकरी खरीदते हैं। बुरा करने वाला बुरा नहीं, इसी तरह ये दो तरह के होते हैं। ये लोग बुरा नहीं करने वाले, इसका मतलब ये अच्छे लोग नहीं है। इसके लिए हम क्यों सबका गला काटने बैठे? जनता की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी वर्दी के साथ हुई जाती और अपने ड्रीम्स को भूल जाएंगे। मैं कोई लड़की हूँ क्या जो मेरी इज्जत लूट गई ये कहकर रोने लगूं? बॉडी बिल्डिंग शोज में कई बार ड्रेस उतार चुका हूँ, वैसे भी इतनी बड़ी पोस्ट मिली है तो मैं कुछ वैरायटी करने का सोच रहा हूँ। टाइम का नुकसान कर दिया, रविवार को पुलिस स्टेशन को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, मेरा ड्रीम है। स्टेशन को ताला लगाकर यहाँ रखो और के साथ करो। सर पुलिस स्टेशन में छुट्टी मतलब क्यों ढूंढ रहे हो? हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हम ऐसे रहते हैं 24 घंटे नौकरी करते रहेंगे क्या? ओ सर जी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। चुपचाप ताला लगाकर चाबी यहाँ नहीं रखोगे तो होगी प्रॉब्लम। इतिहास में अपना नाम कमाने का मौका मिस कर रहे हैं आप। इतिहास के नाम से डरने के लिए मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा नॉनसेंस बनकर रहना चाहता हूँ। इस नॉनसेंस को कैच करना चाहती हो तो अपने कैमरा के साथ आ जाओ, ना कहोगी तो ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए इस देश में काफी लोग हैं और उसे दिखाने के लिए भी काफी चैनल्स हैं। करना चाहती हो या नहीं? से यस और नो। कॉलेज में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, मंदिर जाने वाली औरतों का हो सकता है, 15 अगस्त को ब्रांडी शॉप पे छुट्टी हो सकती है, लेकिन इस देश के पुलिस स्टेशन में छुट्टी नहीं हो सकती है, कभी नहीं। लेकिन भैरव ने अनाउंस कर दिया है सर। सुनने वाला अगर पागल है तो रामायण में भीम है और महाभारत में राम है कह सकता है। तुमने जो भी सुना है और सुन रही हो वो सब एक भ्रम है, भूल जाओ। सच में भैरव ने पुलिस स्टेशन में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, इस न्यूज को जल्दी से टेलीकास्ट करते हैं सर। ऐसी न्यूज टेलीकास्ट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स नहीं कंप्लेंट्स आएंगी। मेरा कहना मानिए, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ इसलिए ये न्यूज हमें दी। चैनल क्लोज करने के लिए कहा सर? पुलिस स्टेशन की छुट्टी सुनकर मैं भी आपकी तरह शॉक हो गई, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। अगर हमने ये न्यूज टेलीकास्ट नहीं की तो दूसरे चैनल वाले कर देंगे, रेटिंग उन्हें मिलेगी सर। हर बार तुम मुझे इसी रेटिंग से पटा लेती हो। एक आइडिया हमारी जिंदगी बदल देता है, वही एक लड़की उसी आइडिया को ही बदल देती है। वाओ, ये रेटिंग किसी को भी बदल सकता है, मैं मान गया हूँ, इसीलिए मैं ये न्यूज टेलीकास्ट करता हूँ। थैंक यू सर। ब्रेक द न्यूज। शिवा का डीजीपी बनना एक सेंसेशनल न्यूज है। इसे ब्रेक करते हुए भैरव ने एक और मिसाल हैदराबाद सिटी में कायम की है। उन्होंने अगले 48 घंटों में शहर के सारे पुलिस स्टेशनों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हमने जो डोज उसे दिया है उससे या तो वो पागल हो गया होगा या फिर जनता पर अपना गुस्सा निकाल रहा होगा। ए! जी सर। अपने सभी आदमियों को बुलाकर कह दो वो जिसे चाहे उसे लूटे, किसी ने कुछ कहा तो उसे दुनिया से मिटाने को बोल दो। एक घंटे में उसे जेल में डाल देंगे या फिर उसे डिपार्टमेंट वाले ले जाकर एनकाउंटर में मार देंगे। आपकी बातों में कहीं खतरा नजर आ रहा है सर। खतरा कहाँ लग रहा है बता रहे, कुछ सोचते हैं। सोच कर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं सर, वैसे भी आपका नंबर तो आ चुका है, संभालिए सर। आपका जहर वो देखिए। की छुट्टी भैरव के इस फैसले के कारण सारा शहर गुंडों के डर के मारे तितर बितर हो चुका है। गुंडे लोग लुटेरे अपने जो जी में आए कर रहे हैं। अब तक कितनी लूट और चोरियां हो चुकी हैं कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे वक्त कोर्ट के हॉलिडे के कारण ह्यूमन राइट्स वाले जनसेवक उधेड़ बुन में हैं
पुलिस स्टेशन कैसे ओपन किया जाए इस मामले में न्यायाधीशों के साथ सलाह कर रहे हैं। सर, इस वक्त शहर की हालत काफी खराब हो चुकी है सर। तुझे पतंग उड़ाना आता है? अगर नहीं आता है तो 4 पतंग अपने घर लेकर जा, बच्चे उड़ाएंगे, उनके साथ सीख लेना। सर, इस मामले में सोचने के लिए सारे समाज की संस्थाएं एक हो चुकी हैं। अरे उनको आपस में चर्चा करने दो ना, ऑर्डर्स तो हमारे पास ही आएगा, 48 घंटे हो जाएंगे। सर, पब्लिक इतने गुस्से में है कि वो आपकी हत्या करने को तैयार है। बीवी के मारने पर ही कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, वो पुलिस को क्या मारेंगे। क्या हुआ? शहर में हिफाजत नहीं है सोचकर चैनल का सहारा लेने के लिए आए हो? उस पागल की हरकत की वजह से काफी तकलीफ हो रही है ना, सो बैड। आपके रिकॉल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर कौन है? मैंने ही वो प्रोग्राम। वो तो सिर्फ एंकर है, टोटल कंसेप्ट और क्रिएटिविटी मेरी है, बीवी बच्चे नहीं है, वो सारी क्रेडिट मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसे माहौल में भी आप लोग मेरा अभिनंदन करने आए हैं? अभिनंदन करने नहीं, मुझे नर्क पहुंचाने आया हूँ। क्यों बे, लाखों रुपए खर्च करके हमने केस बंद करवाया और अब तो उसी केस को खोलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। सुन, हमें सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा। मारना था तो तभी मार देते ना, अब यहाँ पर आकर के दादागिरी दिखाने की क्या जरूरत है? पहले पुलिस स्टेशन के बल पर उड़ रहा था, अब सारे पुलिस स्टेशन बंद हो चुके हैं। पुलिस स्टेशन के बंद होने से क्या होगा कहकर बहुत हंगामा मचा रहे थे ना, अब तेरा कुछ नहीं चलेगा, अब भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो तू दुनिया से उड़ जाएगा। ए, बोल दिया? पुलिस ड्यूटी पर नहीं है तो क्या, हमारे कैमरास तो ड्यूटी पर है, 48 घंटों के बाद पुलिस भी होगी, तब उन्हें सबूत भी मिलेंगे और कोर्ट में केस भी होगा, समझे? ये लड़की सही कह रही है भाई। तो फिर इसे जो कहना है वो कह लेने दे, बाद में इसका क्या करना है मैं देख लूंगा। बेटी रेवती, तुमने मुझे बचाया ही नहीं बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। दूसरे की क्रेडिट को अपनाने से कितना फायदा होता ये तो नहीं जानता, लेकिन नुकसान कितना होगा ये जान गया। तुम्हारी क्रेडिट के बारे में एमडी को बताऊंगा, मैं भी तुम्हारे जैसा एक प्रोग्राम तैयार करके ऐसी ही क्रेडिट कमाऊंगा। थैंक यू बेटी। क्या हुआ तुम्हें? तुम लोग जनता के साथ क्यों खेल रहे हो? खुद को सीएम समझते हो? पुलिस स्टेशन को छुट्टी देके ये पतंग क्यों उड़ा रहे हो तुम लोग? हैं? जल्दी से अब इनके सवालों का जवाब दो। नहीं, आप लोग बात कर रहे हैं ना, इसलिए सुन रहा था। पागल हो गए हो क्या? काम पे जाते वक्त तो ऐसा ही लगा था, अब थोड़ा मजा आ रहा है। राइट नाउ उस लड़के को और तुझे डिसमिस कर दूंगा। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन ओपन करो, दिस इज माय ऑर्डर। सॉरी सर, अब हमारा डीजीपी शिवा है, हमारे सस्पेंशन लेटर्स टाइप करके साइन के लिए शिवा के पास भेजिए, उसे इम्प्लीमेंट करके वो हमें दे दे। इसमें 2 दिन का टाइम लग जाएगा, तब तक कितने लोग मर जाएंगे? रूल्स सबके लिए रूल्स है सर। इसे शूट करो, कमान ऐसे ही। आपके गनमैन भी हमारे डिपार्टमेंट के हैं सर। तुम्हारे ऑर्डर ना मानने वाले लोग आ रहे हैं, अब तुम उनके हाथों से मरोगे। हम यहीं रुके तो इसके आदमी समझकर वो हम लोगों को मार देंगे। चलो जनता कुछ नहीं करेगी, समझा था? हमें बुजदिल समझा है क्या? बीच सड़क में उसकी वर्दी उतारी तो ऐसा कर रहा है। बस बहुत हो गया, हम अन्याय नहीं सहेंगे, छोड़ो हमें, छोड़ो छोड़ो। रुक जाओ, उसे वो पोस्ट देकर वो गलती मैंने की है। अगर तुम लोग मारना ही चाहते हो तो पहले मुझे मारो, फिर भैरव को मारने के बारे में सोचो। तेरी गलती क्या है बेटा, अच्छा आदमी समझ के मौका दिया था। भैरव गलती कर रहा है मतलब जरूर इसमें जनता की कुछ भलाई ही होगी। अब 48 घंटों के बाद मैं नहीं रहूंगा ना भैरव? नो सर, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने स्टेशन को छुट्टियां पागलपन में नहीं दी, पतंगे उड़ाई बदला लेने के लिए नहीं। बॉयज, इनमें कैमरास लगाकर उनकी करतूत लाइव में शूट किया है सर।
की कीमत, पुलिस वाले की कीमत कोई नहीं जानता। बताओ तो ही पता चलती है। वो सब उसे पता चलाने के लिए ऐसा किया। फोकट में आ जाता है गुस्सा, इसे मार देने का गुस्सा। छोटा बच्चा बोलते ही चले गए भाई। इस वीकनेस से ही हर कोई तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलता है। हमने अगर एक दिन छुट्टी ले ली तो क्राइम रेट 100%, वहीं हमारे रहने पर 40%। तुम समझने वाले नाकारे पुलिस वाले रोकने वाला क्राइम 60%। कंट्रोल ना करने वाले उस 40% के बारे में ही तुम लोग हम पे चिल्लाने लगते हो। अरे वो 40% मुझसे तो क्या, वो भगवान भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। क्यों जानते हो? मेरी आंखों के सामने मर्डर हो गया तो उसका सबूत चाहिए। आप सबसे माँ जी सबूत बनो, बाबू जी सबूत बनो कहता हूँ तो भी नहीं सुनते। तो तुम्हारी जात का सरदर्द डिपार्टमेंट, क्या नसीब दिया है रे उसकी। 60% पुलिस का, 40% पब्लिक का साथ होगा तभी 100% क्राइम खत्म होगा। इसीलिए 100 पुलिस लाइन रखा गया है। सर क्यों झुका लिया? जोश खत्म हो गया? गुस्सा ठंडा मत होने देना, गुस्सा आना चाहिए मुझ पर नहीं, बेईमान लॉयर्स पर, लॉ एंड ऑर्डर्स पर नहीं, उस ठेंगा दिखाने वाले लुच्चों पर। गुंडागर्दी हरकत करते हुए इन कैमराओं में पकड़े जाने वालों पर आना चाहिए। एक दुखी ही चलेगा लेकिन 100 लोग सुखी से रहना चाहिए, यही इस भैरव की फिलॉसफी है। बंद करो ये तालियों की दुकान। हाथ है ताली बजाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए नहीं। कमीनों का काम तमाम करने के लिए है। अब से इसीलिए है ये समझना, इतना होने के बावजूद सबूत आप सबको ही बनना पड़ेगा। अभी की ही नहीं सर, इसके पहले जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भी हम गवाही देंगे सर। अब से 40% ड्यूटी हम ही करेंगे सर। क्या सबूत चाहिए, कितने गवाह चाहिए हमें बताइए। हम करेंगे सर, हम बनेंगे 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 सर। पागलपन से नहीं, सब कुछ होशियारी से किया है उसने। अपने सारे आदमियों को अंडरग्राउंड जाने को कह दो। नहीं नहीं, दूसरे राज्यों में भागने को बोलो। तीखा हाथ से ज्यादा खाओगे तो सारा शरीर बेकार हो जाएगा। आज अच्छा चांस मिला है, हाथ से बिल्कुल मत जाने दो। अभी अपने आदमी कहाँ पर हैं? हमारे आदमी अब वो कहाँ मिलेंगे सर, टीवी में न्यूज देख के पता नहीं कहाँ गए होंगे। मुझे बिना बताए देख रहे हैं। क्या बताते, मेरी समझ में तो सब आ गया, क्या आपकी समझ में नहीं आया? समझ में आ गया। आपको आराम से मरने के लिए एक सेनेट जैसा आइडिया बताता हूँ। पनौती कहेगा तुझे पास में रखूंगा तो मुझे पनौती लगेगी। तू जैसे डरपोक को अपने पास रखूंगा तो हिम्मत कहाँ से मिलेगी। एक बात सुन ले, उसे डिस्टर्ब नहीं किया था, तुझे मार दूंगा। मार दो, वैसे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। कूल कूल, हारने वाले को गुस्सा आता है लेकिन गुस्से में आकर हार नहीं सकता। अब कैसा लग रहा है शिव? 10 घंटे का ही टाइम है। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं अपने मरने की बात नहीं कर रहा हूँ भैरव, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने की बात कर रहा हूँ। रेवती, तुरंत प्रेस मीटिंग अरेंज करो। जनता में आपने जो बदलाव लाया है उसके लिए आपको हमारी प्रेस और मीडिया की तरफ से अभिनंदन। थैंक यू। अब आप गुंडों को अरेस्ट करने वाले हैं? नहीं, माफी देकर छोड़ना चाहता हूँ। इतनी मेहनत से सबूत इकट्ठा करके वापस स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों ले रहे हैं? उन सबको एनकाउंटर में मारकर सारे शहर को साफ करेंगे, ऐसा पब्लिक सोच रही है। बड़े बड़े खतरनाक गुनाह करने वालों को क्षमा दान मिल जाता है तो मजबूरी की जिंदगी में पेट की आग बुझाने के लिए गुनाह करने वालों को माफ करने में आखिर गलत क्या है? आपके माफ कर देने से क्या वो बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, लेकिन अब आप सबको क्या करना चाहिए आप लोग जानते हैं। इसीलिए उन सब लोगों को काम मैं दूंगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे ऑटो लेकर दूंगा। 10th क्लास पढ़ने वालों को होमगार्ड्स में जॉब्स दिलाऊंगा। इससे ज्यादा पढ़े लिखे वालों को इन्फॉर्मर्स के जैसा अपॉइंट करूंगा। बदलाव लाना मेरी इच्छा है। तुम पर जो FIR के चार्जशीट्स हैं तुम अपने हाथों से फाड़ो। बदलना है ये सोचकर जो भी मेरे पास आएगा उसे नई जिंदगी मिलेगी। मुझे ही तुम्हारे पास आना है। तो तुम पाताल में भी छिपोगे तो मुझसे पहले मेरी गोली तुम्हारे पास पहुंचेगी। देखो तो गुरु हमें शहर छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑटो लेकर दूंगा, अच्छे से जिंदगी जियो। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए भाई? जाकर मिलकर आओ। गुंडों को क्षमा करने के मामले में उनकी राय क्या है ये जानने के लिए काफी लोग उत्सुक हैं। हैदराबाद के लोगों का क्या कहना है जानते हैं।
इतना अच्छा काम करके ऐसे पागलों की तरह फैसला लेंगे हमने नहीं सोचा था। वो नहीं बदलेंगे, उन सबका एनकाउंटर करके मार देना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। जनता में अब काफी हिम्मत आ चुकी है, वो जनता के लिए एक पैशन है, एक रिलीजन है, एक क्रेज है। सबको मारा होता तो उसकी मानता और बढ़ जाती, इसे मिस किया। इन बच्चों के समझ में नहीं आएगा बेटी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस स्टेशन को छुट्टी दी तो उन्हें हजारों गालियां दी थी, बाद में उन्होंने जो किया उसे जानकर उनकी तारीफ की, अब वापस उन्हें गलत समझ रहे हैं। कल उन्होंने जो किया वो सही कहेंगे, देखना तुम। ये है हैदराबाद वासियों की राय। कैमरामैन जसवंत के साथ रेवती, एबीएन। न हमारा रिश्तेदार है न यार है, फिर भी हमारा भला सोचता है। हमें ऑटो लेकर नहीं देता तो भी उसकी पगार तो मिलती रहती। हाँ रे, मेरी माँ भी मुझे हमेशा बदलने को कहती थी, लेकिन बदलने का रास्ता नहीं दिखाई। माँ से भी बढ़कर है रे वो, भगवान जैसे है। हाँ भाई, हमारा पत्नी भगवान को नहीं मानती है, लेकिन उसका कहना मानकर भला बार हाथ जोड़ी है। इतने सबूतों के बावजूद हमारा एनकाउंटर करेगा तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। ये अच्छा चांस मिला हमें बदलने के लिए, क्या बोलते हो? करेक्ट। उसका कहना सुनकर भागने वाले सभी लोग वापस आ गए। वाकई में वो बहुत शातिर शेर है, शिकार नहीं करता बस होशियारी से जाल बिछाता है जिसमें तुम सब फंसकर मरोगे। कमिश्नर हूँ, मुझे ही फंसाया तो ये किस खेत की मूली? सब एक साथ जाकर क्यों मरोगे? 10 लोग जाकर देखो, तुम्हारी आड़ में क्या करना चाहता हूँ पता चल जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी करना चाहते हो वो तुम सब मिलकर के डिसाइड कर लो। तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा है भाई, तू जा रहे नंदू? तू भी तो जा सकता है ना। ऑलरेडी मैंने सलाइन लगाई है यार, थोड़ी रेस्ट चाहिए मुझे। हम लोग जा रहे हैं भाई, ए चलो रे, चलो 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 चलो। अगर उसने इन सबको माफ किया तो? नहीं करेगा। उसने किसके लिए ये सारे मर्डर किए पता लगाएगा, ये उसका प्लान है। उसके ब्रेन में क्या प्रोग्राम चल रहा है ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, उसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत धांसू तरीके से है। बड़े अंदर की जानकारी है? वो हमारी सेना के साथ हमसे ही भिड़ने आया तो हम उसकी सेना मिलाकर उससे भिड़ जाएंगे। हम बदलना चाहते हैं सर। चाहते हैं सर। गुड। इतना मर्डर करने के बाद भी आप हमको माफ कर देंगे सर? अपने लिए कभी तुमने मर्डर किया क्या? नहीं सर। किसी और के लिए किया? जी सर। अगर सजा मिलनी चाहिए तो उन्हें मिलनी चाहिए, तुम्हें क्यों मिलेगी? गुरु ने शहर छोड़कर जाने के लिए कहा सर, लेकिन हमें बदलने का मौका तो आपने ही दिया है सर। सर हमें से जिसने जो जो भी काम किया है वो सब कुछ बता देंगे सर। तुम बदल कर अच्छी जिंदगी बिताओ यही चाहते हैं, लेकिन बदलने के बाद उनके हाथों मारे जाओ ये नहीं चाहते। तुम्हारी आड़ में उन्हें पकड़वाना नहीं चाहता। उन्हें कैसे पकड़ना चाहिए हम जानते हैं। तुम पर जो पड़े पेंडिंग केसेस हैं, वादा किया था फाड़ रहा हूँ। सर हम यहाँ नाटक करने आए थे सर, लेकिन माँ कसम अब सच में बदल जाएंगे। तुम बदलना चाहते हो इसलिए तुम सबको ऑटो देने का ही इंतजाम कर रहा हूँ। सर मैंने जो सोचा उसे पाने तक इन्हें फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। गुड जॉब भैरव, इन्हें देखकर सिटी का हर गुंडा बदलने के लिए हमारे पास आएगा, तब उन सबको मार दोगे, यही प्लान है ना? सॉरी सर, 0.2% अनाथों को गुनहगार बनाने वाले 0.5% व्हाइट कॉलर है सर। वो बाहर से प्योर व्हाइट उड़ने वाले कबूतर है, लेकिन ब्लड इनके कपड़ों पर नहीं लगना चाहिए, इसलिए गुनाह करके बेल पर बाहर आया हूँ। बड़ा बड़ा बिजनेस मैग्नेट एंटीसिपेटरी बेल का सहारा लेकर अरेस्ट हुए बिना ही घूम रहे व्हाइट एंड व्हाइट पॉलिटिशियन केस से बाहर निकालने के लिए पुलिस और लॉयर्स को खरीदते हैं। ये अपनी बात नहीं सुनेंगे, सिंसियर समझे तो मरवा देते हैं। गुनाहों की दुनिया को बनाने वाले चलाने वाले यही हैं सर। हम कितने भी गुंडों को बदल लें क्राइम रेट कम नहीं होगा, इसलिए ऐसे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने को कहा था। कोऑपरेट नहीं किया है तो गोली मार देने का ऑर्डर दिया। ये मेरे मिशन का आखिरी पड़ाव है सर। ऐसा किया तो क्या होगा जानते हो? सरकार गिर जाएगी। गिर गई तो गिर जाने दो सर, डेमोक्रेसी में इसकी सरकार आ जाएगी, जनता तो खुश रहेगी ना। मैं परमिशन नहीं दूंगा। मैं यहाँ तेरी परमिशन मांगने नहीं आया, जस्ट इन्फॉर्म करने आया हूँ। सर अपना प्लान ऑफ एक्शन सब कुछ बता दिया? जिसे बोलना था मैंने बोल दिया, उसको जिसे बोलना है उसे जाकर बोलेगा। उसका फोन टैप करना शुरू करो, उनकी फोटो पे हार चढ़ाने का प्रोग्राम हम बना लेंगे। सर तो शिवा के ऑर्डर्स? रेडी करो, शिवा से सिग्नेचर मैं करवा दूंगा। आवर्स में सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं। शिवा की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही है। इन 4 घंटों में भैरव क्या करने वाला है, इसी बारे में सभी लोग सोच रहे हैं। अब तक क्राइम करने वालों में बदलाव लाना चाह रहा था, और अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिए हैं। अगर कुछ किया तो एनकाउंटर करने का ऑर्डर दिया। इसमें अगर भैरव की विजय हुई तो फ्यूचर हैदराबाद मतलब चारमीनार टैंक बर्ड के साथ कहेंगे हैदराबाद मतलब एक क्लीन सिटी कहलाएगी।
उनका सपना पूरा हो, उनकी विजय हो, इसलिए एबीएन आंध्र ज्योति पूरे दिल से दुआ कर रही है। ₹100 में मर्डर करने वाला एक मामूली मवाली है तू। मैंने तुझे करोड़ों रुपए दिए, तू मर्डर करवाता है इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि मेरा नाम बाहर ना आए। अरे नाम की बात छोड़ो, हमारा अरेस्ट वारंट निकल आया है, अब हम क्या करें, हमें कैसे बचाओगे तुम? ये सोच सोच कर कि साड़ी चोरी कितने पकड़ी जाओगी, ये टेंशन में जान निकल रही है। किस बात की टेंशन, आने दो पुलिस को, हम देख लेंगे। वो कैसे, हमें कैसे मारेंगे ये देखने के लिए? डरो मत, वो तुम सबको मारने वाली पुलिस नहीं है, हमें बचाने के लिए आ रहे खाकी वाले। तुम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं है, मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। तुम पर से सारे केस हटाकर, तुम लोगों को नौकरी दिलाकर, तुम्हारी सेवा करने के लिए हम तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह है क्या? तुम लोग अब तक नहीं समझे क्या? तुम लोगों को बाहर निकाल कर तुम सभी का एनकाउंटर करना, यही हमारे भैरव का प्लान था। अरे बाप रे, पुलिस ने क्या प्लान बनाया रे? पूरी फौज आएगी सोचा था, लेकिन बदनसीबी से तुम लोग आ गए। अगर आप हमें नहीं बताते तो हम सारे मारे जाते, लेकिन अब वो हमें क्या मारेगा, हम ही उसको मार डालेंगे। उन्हें मारने नहीं लाया था, उनको बदलने के लिए लाया था, लेकिन पैसों की खातिर बिक कर तू उन्हें ही मारना चाह रहा था। अपना कहने के लिए मेरे पास डिपार्टमेंट ही है, इस डिपार्टमेंट में रहने वाले तुम लोग ही ऐसा कर रहे हो तो बहुत तकलीफ हो रही है। टेढ़े रास्ते हैं पैसे कमाने के लिए, तुम कोई हर्षद मेहता या करीम तेली जैसा बनो, क्योंकि बहुत पैसा कमाओगे, तेरे को भी कोई ना कोई भगवान माफ कर ही देगा। ये सब करो मगर तुम जैसे लोग इस डिपार्टमेंट में मत आओ, कोई भी भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। उस चतुर्वेदी के पास से लिए पैसों का इंसाफ करो और मुझे शूट करो। अगर इन्हें कुछ हुआ तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। चीनू इनसे गन। ऐ चुपचाप रहो। उन्होंने भरोसा भेज दिया है सर, अगर हम अपनी जान भी दे सकते हैं सर, आपके साथ है सर। ए चालीधर, हम लोग उस चतुर्वेदी को आपके लिए मार देंगे सर। खून खराबा छोड़कर आम आदमी की तरह बनाना ही मेरा सपना है, और तुम लोग फिर से वही करोगे। नहीं, डॉक्टर शिवा के हाथ से इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर। कंडीशन इज क्रिटिकल। मुझे मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है, भैरव का मकसद प्यारा है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, हेलो इसे, अरे छोड़ो, तुम लोग छोड़ो, नहीं छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो शिवा को, शिवा कहाँ है? उस लड़के ने तुझे 48 घंटे का टाइम दिया तो तूने 47 घंटे तक मेरे साथ बहुत लंबा खेल खेला है, मेरा जीना हराम कर दिया। एक घंटा उस शिवा ने मुझको दिया है खेलने के लिए, के साथ मैं तुझे भी दिखाऊंगा रे। शिवा को लेकर 99 गलती तूने एक साथ कर दी है, 100वीं गलती की अगर तूने तो सेकंड में एक बार मारूंगा, सेकंड में एक बार बचाऊंगा, तेरी ही मौत तुझे दिखाऊंगा। तुमने मुझे सवाल किया, मैंने माफ कर दिया, मेरे रुतबे पर हमला किया, इतने सालों में मेरे बनाए हुए नाम को मिट्टी में मिला दिया। मैं
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू एक बाप की औलाद है तो मुझको ही मार। अगर शिवा के चेहरे पर से हंसी गायब हुई तो तूने तूफान तो बहुत देखे होंगे लेकिन जलजला आज देखेगा। तेरी जान उसमें ही बसी हुई है और मैं उसकी मौत को तेरी आंखों में देखना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। भैरव, क्या है इसकी परेशानी? मैं मरने वाला हूँ ये जानते हुए भी तुम्हें डरा रहा है बेवकूफ कहीं का। भैरव, मुझे क्या चाहिए तुम हमेशा यही पूछते रहते थे ना। मैं बोल रहा हूँ, मेरी मौत के बारे में मत सोचो, इसे कितनी भयानक मौत देनी है वो सोचो, यही होगा मेरा गिफ्ट। हे, एक घंटा नहीं, एक पल भी ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, मार डालो इसे। शिवा, शिवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवा, शिवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवा, पोजीशन क्या है? बॉडी में पूरे 14 घाव लगने के बाद भी आप खड़े थे, मतलब मिराकल। मारने जो आए तो सारे नालायक थे, फिर भी मैं मेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, शिवा के बारे में। सॉरी, हार्ट बीट सेकंड बाय सेकंड कम होती जा रही है। नो चांस। डॉक्टर्स, तुमको मरेगा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे रहते हुए तुमने ये बोला कैसे कि वो मरेगा? अच्छा, 14 गहरे घाव में कहा था ना तुमने, मेरे दिल के आसपास तो कोई घाव नहीं ना? नहीं सर। ये अच्छा आइडिया मिल गया डॉक्टर साहब, मेरा ये दिल निकाल कर शिवा को। आप जैसे ऑफिसर को हम अपने हाथों से कभी नहीं मार सकते सर। अरे ना मुझको मारेगा और ना ही बचाएगा, बाहर एक बोर्ड लगा दे दुकान बंद करके। तेरी की, वो सर्विस में ज्वाइन हुआ तब से हमेशा दिल के पास बंदूक रख कर घूम रहा हूँ, एक गोली भी नहीं लगी मुझे, तभी समझ गया था ये दिल शिवा के लिए ही रिजर्व है। पागल लोगों के अंदर, डरपोक लोगों के अंदर भी होता है दिल, लेकिन शिवा जैसे होशियार लड़के के लिए इस भैरव का दिल जरूरी है। मैं बनूंगा उसके दिल के धड़कन डॉक्टर साहब,
क्यों बात को नहीं समझे क्या? This is not a medical science, purely human science. I want to become his heartbeat. मेरा ये दिल उसको दे दो। रेवती, अपनी जर्नलिस्ट की भाषा में समझाओ, ये जरूर समझेंगे। हाँ डॉक्टर, भैरव ये सब जानबूझकर बोल रहे हैं। वो मरना नहीं चाहता, शिवा के दिल में हमेशा धड़कते रहना चाहता है। एक आदमी को दो जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, दोनों को बचा लीजिए। उस दिल से मैं प्यार करती हूँ। अरे क्या सोचने लगे डॉक्टर साहब, उस शिवा के दिल में भगवान ने छेद कर दिया है और मेरे शिवा को ये भैरव अपना दिल देगा। प्रोसीड करो। भैरव, कोई भी माँ बच्चों को जन्म देती है, जान नहीं, मगर तुमने मुझे जान दी है। तुम ही बताओ भैरव, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अपने दिल से पूछो शिवा, सब तुम्हें वही बताएगा। मैं शमशान से स्टेशन तक आया हूँ, लेकिन तुम इस स्टेशन से दुनिया की सारी ऊंचाइयों को छूना।